वेमेन ऑफिसर्स को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है टू प्रूव कि दे आर केपेबल. कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है. घर का काम करना पड़ता है, उसमें अच्छा खासा टाइम चला जाता है, झाड़ू पोछा. अब इतने सारे मैसेज यू कांट रिप्लाई. मैंने एक बड़ा एक स्टैंडर्ड एक मैसेज बना के रखा था. ओके यू स्टार्ट विद दिस, दिस इज द बुक. क्योंकि वहां पे मैक्सिमम लोग तेलुगु बोल रहे हैं. जब तक आप उनकी बात नहीं समझोगे यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर दैट पर्टिकुलर थिंग. तो आपने तेलुगु और आपने मलयालम सीख ली है? हां सीख ली है. कि मैं मलयाली लादे मलयाली हूँ, मतलब मलयाली न होते हुए भी मलयाली हूँ. उन्होंने मुझे सर कह के बोल रहे हैं. द फर्स्ट थिंग दैट कम्स आउट ऑफ देयर माउथ इज सर. तो व्हेन आई से कि यू कैन कॉल मी मैडम, कह रहे रोमन जी कहाँ है. मेरी वाइफ मेरे को बता रही थी कि काफी ऐसे कमेंट्स थे कि रोमन बहुत काले हो गए आप. और कोविड के टाइम पे आई थिंक अनअकैडमी ने इतना बड़ा रोल प्ले किया. द काइंड ऑफ पीपल हु आर गेटिंग सिलेक्टेड आर द वंस हु शुड बी गेटिंग सिलेक्टेड. तो आई थिंक एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सोते जागते खाते पीते दिमाग में जिला ही चलता था. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पर्सपेक्टिव सीरीज में, जहां हम आपकी मुलाकात करवाते हैं देश के आईएएस एग्जाम में टॉप करने वाले उन व्यक्तित्वों के साथ जो न केवल आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं बल्कि इस देश के लिए बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं इन एज पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी. तो आज इस सीरीज में हम ये सेकंड आपके लिए पैनल लेकर आए हैं, जिसमें हमारे साथ आज हैं सबसे पहले यूपीएससी 2015 के एग्जाम में रैंक 2 हासिल करने वाले मिस्टर अथर आमिर खान. देन वी हैव विद अस मिस अनु कुमारी, जिन्होंने 2018 के एग्जाम में रैंक 2 हासिल करी है. देन वी हैव विद अस मिस मेधा रूपम, हु हैज गॉट रैंक 10 इन यूपीएससी 2013 एग्जामिनेशन. एंड Also, Mr. Mayank Mittal, who has achieved rank 29 in 2019. तो दोस्तों ये पैनल आज बहुत ही खास है. देश के अलग अलग कोनों से आए ये IAS officers आज चर्चा करेंगे कि उनकी तैयारी कैसी रही, क्या challenges उन्होंने face किए, किस तरह के challenges job में वो face कर रहे हैं, what has been something new that they learned on the job, इस तरह के और भी कई interesting questions हम इनसे पूछेंगे और इनसे चर्चा करेंगे. तो इस पूरे पैनल को हम स्टार्ट करें उससे पहले एक और व्यक्तित्व है जिसको हम वेलकम करेंगे, हमारे अपने डॉक्टर रोमन सैनी सर, हु इज द को-फाउंडर ऑफ अनअकैडमी एंड आल्सो रैंक 18 यूपीएससी 2013. तो ये हमारे होस्ट भी हैं और हमारे आईएएस की तरह गेस्ट भी हैं. तो वेलकम टू ऑल द पैनलिस्ट एंड वी विल बिगिन द डिस्कशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि आप लोगों के लिए आईएएस एग्जाम क्रैक करने के बाद जीवन कैसा रहा है, क्या आपने वो चेंजेस किए जो आप सोचते थे कि हम समाज में ये कर लेंगे आईएएस बनकर, किस इस तरह का कुछ आप कर पाए हैं या नहीं? मुझे लगता है एक तो फॉर अस मोस्ट ऑफ अस आर लाइक हार्डली इनटू 6 और 7 इयर्स इनटू द सर्विस, दिस मे प्रोबब्ली बी अ लिटिल प्रीमैच्योर क्वेश्चन टू आंसर, बट आई अपना खुद का एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करूंगा. दिस माय थर्ड असाइनमेंट. आई बीन इन एसटीएम, देन सीईओ जिला परिषद एंड नाउ अ म्युनिसिपल कमिश्नर. जिस तरीके से मैंने आई थिंक एक सोचा था दैट दिस इज़ हाउ द सर्विस इज़ गोइंग टू बी, द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर, द काइंड ऑफ चैलेंज आर देयर, आई थिंक इट हैज़ बीन बैंग ऑन. जब एसडीएम होते हैं तो वहाँ रिसोर्सेज के नाम पे यू डोंट हैव मच, बट द काइंड ऑफ लोकल कनेक्ट दैट यू हैव, द काइंड ऑफ यू नो जितना क्लोजली आप लोगों के साथ काम कर पाते हैं, दैट इज़ ह्यूज. द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस यू एग्जर्ट ऑन दैट smaller area where you working is immense. We got an opportunity to, I was in a place called Badnaur in Rajasthan. So wahan pe schools ke sath education mein kaam karne ka mauka mila. That was, the place was like heavily, you know, wahan child marriage ka bada issue tha. We could work on child marriage. Then when you go to the CEO Zila Parishad, now your domain is district, but half part of the kind of work. Maybe you're not looking at urban, you're looking at rural development. लेकिन वहाँ पे भी जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जिस तरीके से रूरल लाइफ को इन टर्म्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में आप काम कर पाते हो, इट्स बीन इमेंस. एंड इन माय प्रेजेंट असाइनमेंट फॉर एग्जांपल श्रीनगर में एज म्युनिसिपल कमिश्नर एंड सीईओ स्मार्ट सिटी, द काइंड ऑफ वर्क वी आर ट्राइंग टू डू एंड वी हैव बीन एबल टू डू, आई कुड नॉट हैव इमेजिन्ड इट कि इस स्केल तक जो है इस तरीके की प्लानिंग हम कर सकते हैं, इस तरीके से जो जगह हमने सोची थी, जो जगह बचपन से देखते आए थे, दैट there could be a point that where you could be very instrumental in bringing in that broad transformation. So for me, I would say that this is phenomenal. Probably jo socha tha ya jo ek ye cheez tha, for me the service has been exactly and probably far more than what I had expected out of it. I think jaise UPSC ke syllabus ke liye kehte hai ki everything under the sun, similarly ye naukri bhi aisi hi hai. And there is a lot of scope, lot of different things, and
यूपीएससी से कंपेयर करें तो जितना यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करके मेहनत करनी पड़ती है, उतनी ही मेहनत करनी हमारी जिम्मेदारी भी है एज एन ऑफिसर, एंड करनी भी पड़ती है इफ़ यू वांट टू ब्रिंग आउट डिलीवरी. तो ये मैंने महसूस किया कि आई हैव बीन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन हापुड़. नाउ आई एम टेकिंग केयर ऑफ अ वेरी अर्बन असाइनमेंट. आई एम इन द नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी. So looking at the challenges which the industries face and trying to give a hand holding to them, the rural urban sabka mix hai, everything under the sun hai, definitely a huge scope, and exam does justice to it, I'll say. When I came to the service, तो मैं कुछ ऐसा आइडिया नहीं लेके आई थी कि व्हेन आई विल कम ऑन द फील्ड देन आई विल यू नो कम्प्लीटली चेंज द लैंडस्केप या सोसाइटी को बदल देंगे. ऑब्वियसली यू नो गुड आइडियल्स एंड थॉट प्रोसेस वर इन माइंड कि हाँ समाज के लिए कुछ करना है. एंड इन दैट फील्ड और इन दैट लाइन आई वुड से कि येस आई हैव बीन एबल टू काइंड ऑफ डू जस्टिस टू वॉट वॉज माई एक्सपेक्टेशन. तो जैसा आधार सर भी बोल रहे थे, इट इज़ टू शॉर्ट अ पीरियड राइट नाउ टू प्रॉब्ली कॉन्टम्पलेट ऑन वॉट इम्पैक्ट आई हैव मेड. But as a sub-collector, my tenure has been quite fulfilling. I was able to connect with the masses. वहाँ पर छोटे से स्तर पर मेरी सब डिविजन में जो जो समस्याएँ होती थी उस पर यू नो एट माई लेवल वॉट एवर इम्पैक्ट आई कुड मेक, बी इट इन टर्म्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट और इनिशिएटिव फॉर द ट्राइबल अपलिफ्टमेंट. जैसे वहाँ के बच्चों के लिए हमने खासकर गर्ल्स के लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया और जॉब ओरिएंटेड उनकी ट्रेनिंग कराई, जिसमें से काफ़ी गर्ल्स अभी एग्जाम क्लियर करके दे आर यू नो मूविंग टूवर्ड्स गेटिंग एम्प्लॉयमेंट. ऐसा करके और मैं सोचती हूँ कि कोई भी आप छोटे से छोटा काम भी करो, उसे अगर आप पूरी शिद्दत से अच्छे से कर रहे हो. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ऑफिस में रूल था कि यू नो फॉर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस कोई भी फाइल इस पर्टिकुलर टाइम से ज़्यादा हमारे ऑफिस में स्टे नहीं करनी चाहिए. तो टू डिस्पोज द फाइल्स इन अ टाइम बाउंड मैनर, उसके लिए आर एफर्ट्स वर ऑल्सो रिकग्नाइज. माई टीम एंड माई सेल्फ वी गॉट द बेस्ट सब कलेक्टर अवार्ड इन केरला फॉर द ईयर 2021. तो उस तरीके से फाइल्स को जल्दी निपटाना, लोगों के लिए सिटीजन्स की हेल्प के लिए आप गवर्नेंस प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करो, ये सब हमने अच्छे से किया. एंड आई हैव हैड वेरी फुलफिलिंग थिंग एट दैट. और इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग थिंग्स, यस आई फील दैट अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स आर टेकिंग प्लेस राइट नाउ. अभी आई एम आई टी मिशन डायरेक्टर इन केरला और वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं विच आई फील वुड जेन्युइनली बी ग्राउंड ब्रेकिंग व्हेन दे कम टू फ्रूशन. I think Medha has a lot of connection with Kerala, if I remember. Sir, इसका best part ये है IAS का कि जितने भी subjects हम सोच सकते हैं एक district में होंगे, उस सब subject पे IAS को काम करने का एक opportunity होता है. तो हम लोगों को सबसे पहला तो ये decision लेना है कि वहाँ पे gaps क्या हैं उस district में या उस area में जहाँ पे हम लोग work करें, क्या gaps हैं और उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं. जैसे अपनी बात करूँ मैं तो अभी आई एम पोस्टेड एज एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज इन नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट. तो पंचायती राज एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है. लास्ट ईयर्स में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है बट स्टिल गैप्स हैं बहुत सारे. तो उनको फुलफिल करने के लिए एक एजेंडा, मतलब भी मुझे 6 months हुए हैं इन दिस पोस्ट, तो एक लेकर के चलते हैं कि ओके पंचायत में ये फील्ड है, लाइक वेस्ट सेग्रीगेशन एक फील्ड है जिसको हर पंचायत में वेस्ट सेग्रीगेशन के मामले में उसको हम लोगों को सेल्फ सफिशियंट करना है. तो इट विल टेक अ टाइम ऑफ 6 months to 7 months अगर हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेते हैं. और उस 6-7 months में अगर पूरे उसको हम लोग अप्रोच के साथ और प्रॉपर फीडबैक के साथ अगर हम उसको देखते हैं तो इन दैट एरिया वी कैन मेक अ सर्टेनली अ गुड चेंज इन दैट एरिया. जब भी मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था, जब मैं पढ़ाता था यूपीएससी के लिए, एक चीज़ मैंने काफ़ी फोकस करी, काफ़ी एम्फसाइज करी कि आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है और टेस्ट is as good as the quality of the questions of that test. अगर वो UPSC का pattern reflect नहीं कर रहा है तो उस test को देने का कोई point नहीं है. तो इसी को लेके हमने कुछ 2 free mock tests आप लोगों के लिए लेके आए हैं 23 अप्रैल को 30 अप्रैल को. उसका नाम समुद्र मंथन है, जैसे कि उससे अमृत अलग हो गया था वैसे ही जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं और नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो इससे छट जाएंगे. तो आप ये दोनों टेस्ट दीजिए, एग्जैक्ट UPSC के पैटर्न पर हैं. टॉपर्स जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, IAS ऑफिसर्स, ये सब मिलकर टेस्ट बना रहे हैं. एग्जैक्ट UPSC का पैटर्न मतलब 9:30 to 11:30 आपका GS पेपर 1 होगा, 4:30 to 4:30 आपका CSAT होगा. तो दोनों दिन आप मॉक टेस्ट दीजिए, आपको उसमें अपनी ऑल इंडिया रैंक भी पता चलेगी. यू विल गेट एग्जैक्ट फीलिंग कि टेस्ट कैसा होता है, कैसे देना चाहिए. तो प्लीज़ एनरोल फॉर दिस, देर आर अवार्ड्स वर्थ 1 lakh rupees. तो जस्ट चेक आउट द लिंक एंड देर विल ऑल्सो भी स्कॉलरशिप जो पाथ फाइंडर्स का हम बैच लॉन्च कर रहे हैं. एक कॉम्प्रहेंसिव बैच आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं 1 June से. तो मई एंड में जब आपका प्री ख़त्म होगा तो उसके तुरंत बाद 1 June onwards ये बैच चालू होगा. करीब 6 से 7 महीने का बैच रहेगा
और ऐसे पूरी पाथफाइंडर की टीम पढ़ाएगी, थोड़ा लो कॉस्ट है। महिपाल सर इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, तो प्लीज़ ये जो दो टेस्ट हैं इसको दीजिए ताकि आपको पता तो चले आप कहाँ खड़े हो, अभी आपकी रैंक क्या है, आपकी प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड क्या है, आप बाकी लोगों से जो कम्पीट करोगे एक हाई लेवल टेस्ट में जो UPSC को रेप्लीकेट करेगा, एग्जैक्ट जो UPSC में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे भी पूछे जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, और एग्जैक्ट जब वो पैटर्न होगा तो आपको उस दिन भी हेल्प मिलेगी कि भाई 9:30 से 11:30 आप एक पेपर दे रहे हो, 2:30 से 4:30 आप दूसरा पेपर दे रहे हो, और हो सकता है एक टेस्ट में शायद कम नंबर आ जाए तो दूसरा टेस्ट भी हमने आपके लिए रखा है। तो प्लीज़ गिव दिस टेस्ट, दे आर एब्सोल्युटली फ्री एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, सो क्लिक ऑन इट एंड देन जो भी अच्छे उसमें टॉपर्स होंगे उसको पाथफाइंडर का जो बैच है उसमें स्कॉलरशिप मिलेगी, उसकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ऑन टू महिपाल सर टू एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली क्या है। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि रोमन सर ने आप लोगों को बताया अभी कि हम एक टेस्ट लेकर आ रहे हैं समुद्र मंथन, इस समुद्र मंथन का हिस्सा जरूर बनिए, तो चाहे आप अमृत लें या विष, जो भी आपके हिस्से में आएगा वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अमृत ही आपके हिस्से में आएगा, लेकिन पता तब चलेगा जब आप उसमें बैठेंगे और एग्जाम को देंगे। तो देखिए, ये टेस्ट दो प्रकार के लोगों को देना है, पहला जो 2023 में अपीयर कर रहे हैं उनको तो देना ही है, उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी ऑल इंडिया रैंक क्या है। दूसरा, मैं उन स्टूडेंट्स को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो तैयारी के बारे में सोच रहे हैं फॉर नेक्स्ट ईयर 2024, उन्हें भी ये टेस्ट देना चाहिए। आपने तैयारी नहीं करी है लेकिन थोड़ा बहुत सोचना शुरू किया है कि UPSC देना है, शायद न्यूज़पेपर पढ़ना आपने स्टार्ट कर दिया होगा, आप कॉलेज में हैं, आपके आसपास कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इस टेस्ट को दीजिए। इस टेस्ट को देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको UPSC देना है या नहीं। यू विल गेट अ टेस्ट ऑफ व्हाट द फ्यूचर इज गोइंग टू बी, आपको स्वाद पता चलेगा कि ये UPSC क्या चीज़ है, ये कितनी मीठी है, ये कितनी जहरीली है। जहरीली नहीं है, ठीक ठाक है, पर इसको थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन उसमें हम आपके लिए एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपको पता चलता है समुद्र मंथन से कि आप थोड़े से कमज़ोर हैं, आप सवाल ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल बैच हम लॉन्च करेंगे ऑन 1 जून। तो ये बैच पाथफाइंडर टीम के द्वारा लाया जा रहा है अंडर द गाइडेंस ऑफ आर ओन रोमन सैनी सर, इन्होंने हमें हेल्प करी है पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन करने में। और याद रखिए, पिछले कई सालों से ये UPSC का जो कोर्स है उसमें पढ़ा नहीं रहे, लेकिन हमें पूरा डिज़ाइन करके ये बताते हैं कि आपको इस तरह से इस कोर्स को पढ़ाना है, ये एस्पिरेंट्स को ज़रूरत रहती है। एंड ही हैज़ टॉप द एग्ज़ाम हिमसेल्फ, सो आई डोंट थिंक दैट एनीवन नोज बेटर देन रोमन सैनी सर कि इस एग्ज़ाम में क्या ज़रूरतें हैं। अब बात करते हैं इस बैच की। तो देखिए, ये अलग क्यों है, खास क्यों है, मैं इतना एम्फेसिस इस पर दे रहा हूँ, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अनअकैडमी हम एक ऐसा बैच लेकर आ रहे हैं जो सभी के लिए अवेलेबल है। हम अभी भी पढ़ाते हैं, वी ऑल टीच ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, लेकिन हमें कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अभी भी आपका बैच थोड़ा सा हमारे लिए अनअफोर्डेबल है। ऑल्दो हम ऑफलाइन के फीस के कंपैरिजन में जस्ट 1/5, 1/6 फीस में पढ़ाते हैं, पर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें भी हमारे लिए अनअफोर्डेबल है ये बैच, तो ऐसे स्टूडेंट्स को हम चाहते हैं कि हम पढ़ाएं और वो भी IAS की तैयारी करें। तो ऐसा नहीं है कि अब आपको 20-30-40 हज़ार रुपये भी देने पड़ेंगे। ये बैच पाथफाइंडर बैच केवल 799 रुपये में आपके लिए अवेलेबल होगा। बट रिमेंबर, दिस इज अ अर्ली बर्ड ऑफर, जो हमारे फर्स्ट 1500 स्टूडेंट्स हैं केवल उनके लिए हम ये बैच इस प्राइस पर लॉन्च करने वाले हैं। बैच स्टार्ट होगा 1 जून को। टीचर्स जो आपको पढ़ाने वाले हैं उनमें मैं और पाथफाइंडर के मेरे जो अन्य साथी हैं वो सभी इसमें जुड़ेंगे। आप पाथफाइंडर पर हमारे जो वीडियोज देखते हैं उन्हीं टीचर्स से आप ऑनलाइन लाइव क्लास में पढ़ सकते हैं इफ यू ज्वाइन दिस पाथफाइंडर बैच। ओके, अब आप पूछेंगे कि सर इस बैच में ऐसा क्या खास आप कर रहे हो कि 8000 रुपये में आप पढ़ा दोगे, आप तो सिलेबस पूरा नहीं करोगे। नहीं, आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, 900 प्लस आवर्स ऑफ टीचिंग, 6 मंथ्स प्लस आपका ये कोर्स चलेगा, प्रिलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सबकी तैयारी आपको हम करवाएंगे। पूरा सिलेबस इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, जितने भी आपके कोर्सेज होते हैं सारे पूरे होंगे यहाँ पर। एंड रिमेंबर, अगर आप प्रिलिम्स क्वालिफाई करके मेंस के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपकी एक्स्ट्रा हैंड होल्डिंग करी जाएगी। देयर विल बी अ मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर यू गाइस, हम आपकी आंसर राइटिंग पर काम करेंगे, आपसे 1-to-1 इंटरेक्ट भी करेंगे। और इसके अलावा इंटरव्यू अगर आप पहुंच जाते हैं और मेंस में भी आप पहुंच जाते हैं तो हम IAS ऑफिसर्स को लेकर आएंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे आंसर्स लिखने हैं और बेहतर करना है, हाउ टू इम्प्रूव योरसेल्फ। तो उसके लिए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स, इन सब से आपको हम गाइडेंस दिलवाएंगे। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम रहने वाला है और इसका हिस्सा ज़रूर बने, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है आपके लिए नहीं हो लेकिन आप किसी को जानते हैं जो IAS की तैयारी करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा है ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस, उन्हें इसके बारे में ज़रूर बताइए। और इस बैच की सारी डिटेल्स आपको हमारे इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर भी मिल जाएगी, उस पर क्लिक कीजिए, अर्ली बर्ड ऑफर का फायदा उठाइए, बी इन द फर्स्ट 1500 टू ज्वाइन दीज पीपल। एंड रिमेंबर, टेस्ट सीरीज के साथ हम ये लेकर आ रहे हैं, आपको कोई एडिशनल टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं लेनी है। वी विल ब्रिंग
40 tests for prelims and 10 tests for mains. तो ये दोनों test series, prelims और mains, इसके साथ शामिल है. तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इससे बेहतरीन प्रोग्राम कोई होने वाला है. मैं ताल ठोक के कह सकता हूँ कि ये इंडिया में यूपीएससी में एक नई क्रांति लेकर आ जाएगा. ऐसा बैच होगा तो इसे ज्वाइन जरूर करें एंड लेट्स क्रैक इट. तो आप लोगों की जो सर्विस है, देश के अलग अलग राज्यों से आप लोग आते हैं, यू हैव वर्कड इन वेरियस डिफरेंट रोल्स, तो आप लोग मुझे ये बताइए कि एक आईएएस ऑफिसर पर कितना दबाव रहता है पॉलिटिशियंस का, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का या आम जनता का कि ये काम करना है या करवाना है. तो इस तरह के प्रेशर्स को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं और कितना दबाव एक्चुअली में होता है? जैसे एक प्राइवेट सेक्टर में एक MBA होता है, तो MBA का काम होता है सारी चीज़ें मैनेज करना. यू हैव टू मैनेज लेट्स से एडवर्टाइजिंग आल्सो, HR आल्सो. सिमिलरली फॉर एन IAS ऑफिसर देर आर मल्टीफेरस प्रेशर ग्रुप्स आल्सो. जनता है, सिटीजन्स में भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, तो यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग. एंड आई थिंक कि किसी भी टुडे इन एनी जॉब इन एनी सर्विस इन फैक्ट देर आर स्ट्रेसेस एंड देर आर प्रेशर्स, और वो मैनेज करके चलना इज व्हाट वी आर बेसिकली आई पर्सनली फील द MBA ऑफ द गवर्नमेंट. IAS में आई थिंक अल्टीमेटली वी आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, और जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं या पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, दे ऑल आर ऑल्सो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पीपल. तो कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट है. अगर वो लोग कुछ बोल रहे हैं तो दे ऑल्सो हैव देयर पॉइंट. हमें अगर लगता है कि नहीं इसको दूसरे तरीके से करना है, तो एक अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू डेवलप विद द पॉलिटिशियन एंड अदर प्रेशर ग्रुप्स. अगर वो अंडरस्टैंडिंग हम लोग डेवलप कर पाते हैं, और इसके लिए सर ने भी जैसे बोला, सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि लोगों से कनेक्ट जाकर के डिस्ट्रिक्ट में, इफ़ वी आर एबल टू मेक दिस दैट कनेक्ट, तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी कम हो जाएंगे उसके बाद. आई थिंक I would again second what my younger brother has said, कि जब हम प्रेशर की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिटिशियन है, सो हिज प्रेशर इज़ बिकॉज ही इज़ ऑल्सो आंसरेबल टू पीपल, ही हैज़ टू डिलीवर. नाउ या वी से वी आर ऑन फील्ड एज HODs, देर वुड बी अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, ही विल अगेन आस्क यू टू डू थिंग्स बिकॉज ही इज़ अगेन आंसरेबल कि ये चीज़ हो जानी चाहिए. सो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक देर इज़ अ कन्वर्जेंस टू दीज ऑल दीज प्रेशर, वट एवर इफ यू कॉल इट अ प्रेशर इज समथिंग. इट्स नॉट दैट कि दिस इज एवरी वन इज ट्राइंग टू पुल यू डाउन, इट्स दैट देयर इज अ कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड यू आर एट द काइंड ऑफ मे बी एट एन इंटरजंक्शन ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्टिव, एंड बिकॉज आपके थ्रू वो चीज़ें होती हैं, सो दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ प्रेशर कम्स थ्रू. बट अगेन जितना बेहतर तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाते हो, द वे द बेटर यू आर एबल टू कम्युनिकेट योर सुपीरियर्स इन द सर्विस और द पोलिटिकल बॉसेज, द बेटर दे स्टे इन्फॉर्म्ड, दे हैव अ राइट टू नो. और अगर आप अच्छे से वो कम्युनिकेट कर पाते हो एक्चुअल ग्राउंड चीज़ें, इट मेक्स लाइफ ईजियर रादर देन यू नो गिविंग वेरी अनरियलिस्टिक जी कर लेंगे दो दिन में, कर लेंगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे. इट्स ऑलवेज अ मैटर ऑफ आई थिंक ईज इफ यू कम्युनिकेट थिंग्स रियलिस्टिकली एंड देन डिलीवर ऑन ग्राउंड. और फिर ये भी होती हैं, देर मे बी 10 or 15 थिंग्स ऑन योर टेबल. अगर आप चार चीज़ें कर पाते हैं, पांच चीज़ें टाइमली कर पाते हैं, मे बी इन अ कपल ऑफ थिंग्स देर आर ऑलवेज अदर लिमिटेशंस टू थिंग्स, इट स्टिल मेक्स लाइफ ईजियर. एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है सबसे बड़ा स्टेक होल्डर अगेन इज़ द जनरल पब्लिक. इफ़ यू आर एबल टू टेक देम इन टू कॉन्फिडेंस, इफ़ यू आर एबल टू कहीं पर भी, फॉर एग्जाम्पल आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, वहाँ के लोकल शॉपकीपर्स, लोकल कम्यूटर्स, लोकल लोग सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होते हैं. अगर वो देख पाते हैं दैट देर इज़ अ पैशन इन टू इट, देर इज़ अ हार्ड वर्क गोइंग इन टू वट यू आर डूइंग, एंड यू आर डूइंग यू आर ट्राइंग टू डू योर बेस्ट, दे बिकम योर बिगेस्ट अलाइज. फिर लोग वो साथ में होते हैं, देन इररेस्पेक्टिव ऑफ इफ कोई भी प्रेशर होता है, यू आर इजीली एबल टू वॉट दैट ऑफ. आप जो ये पॉइंट बता रहे हैं कि जनता तक सर्विसेज पहुंचाना ये इंपॉर्टेंट है, तो इसी पे मेरा अगला सवाल भी था कि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है जिसके लिए आप सब काम कर रहे हैं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में अलग अलग एरियाज में, इसमें क्या कुछ इनोवेटिव एक IAS ऑफिसर करना चाहे, सो इज़ दैट अलाउड, इज़ दैट अप्रिशिएटेड, और क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ किया है? तो ये जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, इसमें इफ यू सी लाइक आई हैव इंटरेक्टेड विद लाइक हंड्रेड्स ऑफ IAS ऑफिसर्स, और एक बार मुझे याद है माइकल फेल्प्स के साथ मतलब वी वर सिटिंग इन सिंगापुर, तो ही सेड आई हेट माई कोच, तो लाइक रियली हेट माई कोच, बट लाइक ही स्टक विद हिम फॉर लास्ट 15 ईयर्स, और रोज़ वो चार घंटे उसे स्विमिंग कराएगा, उसको 15,000 कैलोरी खानी पड़ेगी. आई थिंक या तो आप वो कर दो जो आपसे एक्सपेक्टेड है, दैट्स व्हाट IAS ऑफिसर्स ऑल द सीनियर वंस इंक्लूडिंग लाइक कैबिनेट सेक्रेटरी, या तो जो भी आपसे एक्सपेक्टेड है या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, या तो आप वो डिलीवर कर दो. इफ यू डोंट डिलीवर देन मेरे ऊपर भी प्रेशर आएगा लाइक अन अकेडमी के बोर्ड मेंबर्स उनसे कि भाई क्या कर रहे हो आप.
फिर माइकल फेल्स पे भी कोच प्रेशर डालेगा, भाई देखो गोल्ड मेडल जीतने हैं ना 15, तो मतलब व्हाट आर यू डूइंग, यू हैव टू बी बेस्ट इन द वर्ल्ड। सिमिलरली इनका जो भी प्रोजेक्ट है या जो भी एक एक्सपेक्टेशन है जो इन सबसे, इफ दे आर डिलीवरिंग ऑन दैट देन देयर इज नो प्रेशर। अगर कोई बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है और वो इतना अच्छा कर रहा है कि मम्मी पापा कुछ बोल ही नहीं सकते, बट इफ ही इज नॉट लाइक स्टडिंग वेल, वो 4 घंटे ही पढ़ रहा है, तो कोई टोकेगा उसको, कोई उस पर प्रेशर डालेगा। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए। इफ यू आर ऑलरेडी बेटर देन वॉट इज एक्सपेक्टेड तो उतना प्रेशर नहीं होगा। एंड इफ यू आर लाइक स्लाइटली बिलो पार, इफ यू आर नॉट, इफ यू आर लाइक लेट्स से नॉट द एक्सेलेंट वन, थोड़ा कुछ ऑफिसर्स उतना मतलब फेथ खो देते हैं, 5-6 साल उतना काम नहीं करते, तो उनके ऊपर शायद थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होगा। दिस इज ट्रू अक्रॉस डोमेन्स इफ यू आर डूइंग एनीथिंग कटिंग एज इन द वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जैसे हम लोग अगर देखें हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो एक प्रजावाणी करके एक मंडे को एवरी मंडे 3 आवर्स के लिए कलेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर दोनों लोग बैठते हैं, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बैठते हैं, पीपल कम देयर, और वो लोग उनकी कंप्लेंट सुनते हैं, ग्रीवांसेस सुनते हैं। तो वहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं, एक कि अगर लोग ज़्यादा हैं तो अगर हम उसका टाइम एक्सटेंड भी करेंगे दैट इज़ मतलब फ्रूटफुल, और दूसरा जो ग्रीवांसेस सुन रहे हैं हम लोग वो कितनी जल्दी सॉल्व हो रही हैं, क्या खाली हम लोग उनके पेपर्स लेके रख ले रहे हैं या फिर उसमें एक्चुअल में काम हो रहा है उस ग्रीवांसेस पे, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ लोगों को ये लगने लगता है कि नहीं हम लोग जाएंगे कोई है वहाँ पे सुनने वाला, हम लोग अगर उसको पिटीशन देंगे आगे सो ही विल वर्क ऑन दैट एंड हमारा काम होगा, तो लोगों में ट्रस्ट डेवलप होता है। और बेसिक पार्ट ये, अगर लोगों में ट्रस्ट डेवलप स्टार्ट होगा होना तो प्रेशर ग्रुप्स में ट्रस्ट डेवलप होगा और पॉलिटिशियंस में भी ट्रस्ट डेवलप होगा वहाँ पे इंस्टीट्यूशन में, दैट इज द मेन थिंग। एक क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज उस वीडियो पे जैसे अभी 5-6 लाख लोगों ने देखा तो बहुत बच्चों ने कमेंट किया था, तो अनफॉर्चुनेटली लाइक लास्ट टाइम आई डिडंट रियलाइज सारा पैनल वर ऑल मेल्स, तो दे हैड लाइक कि सर मतलब हमारी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, वी गो थ्रू समथिंग डिफरेंट, तो देर आर 2 लेडी ऑफिसर्स ऑन द पैनल। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन, या तो एंट्री से पहले लाइक आर देर एनी प्रॉब्लम्स, या एंट्री के बाद लाइक डू यू गाइस फेस सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स विच आर, बिकॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी स्टडीज होती हैं, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ग्लास सीलिंग होता है, इफ़ यू सी US की प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री में आज तक कोई वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बना है, ऑलमोस्ट 250 साल होने वाले हैं, तो ऐसा कुछ है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे से कमेंट पूछा था, तो जस्ट वांटेड टू हियर फ्रॉम बोथ ऑफ यू देयर। सो ओके, मैं अगर इसके बारे में बोलना चाहूँ, आफ्टर कमिंग इनटू द सर्विस बहुत ओवर्ट बायसेस नहीं होंगे बट कोवर्ट एंड हिडन यू नो डिफरेंसेस आते हैं, थिंग्स आर डिफरेंट। एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो जब मुझे एड्रेस करते हैं, मेरी टीम, मेरे सबॉर्डिनेट स्टाफ, वो ना मुझे सर कह के बोलते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स आउट ऑफ देयर माउथ इज सर। तो व्हेन आई विल से कि यू कैन कॉल मी मैडम, मैडम भी सर हो सकती है, ओके, मैडम कैन ऑल्सो बी एन ऑफिसर, ऑफिसर इज नॉट नेसेसरीली एसोसिएटेड विद सर। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में डेफिनेटली वो अंडरटोन्स हैं, और मुझे लगता है कि वेमेन ऑफिसर्स को थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है टू प्रूव कि दे आर केपेबल, वो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को भी डील कर सकती हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को भी डील कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस है। और बिफोर कमिंग टू द सर्विस जो हम बात कर रहे थे, बिफोर कमिंग टू द सर्विस ना बहुत सारी छोटे छोटे सटल पॉइंट्स होते हैं। अगर हम आज के दिन ये देखना चाहें कि आज के दिन भी सिर्फ 20% क्यों है, 1/5 क्यों है ब्यूरोक्रेसी में वेमेन, जबकि आई फील कि जो एजुकेशन लेवल्स हैं वेमेन आर कमिंग फॉरवर्ड क्वाइट अ बिट, स्टिल अंडर रिप्रेजेंटेड है, काफ़ी अंडर रिप्रेजेंटेड है। MBBS में तो आधे वेमेन होती हैं, आधी वेमेन होती हैं, देखो वो कितना प्रेस्टीजियस कोर्स है। यहाँ पे अभी भी 20% है। देखो इसमें भी कई सारी चीज़ें हैं, सपोज कोचिंग के लिए भेजना है तो बहुत यू नो रिलेटिवली कम पेरेंट्स होंगे जो अपने बेटी को घर से बहुत दूर भेजेंगे कोचिंग के लिए या तैयारी करने के लिए, या फिर कई बार लड़कियों में खुद भी अंडर कॉन्फिडेंस होता है या उन्हें उस तरीके से यू नो बढ़ाने किया जा रहा है, उन्हें किसी की वाइफ बनने के लिए तैयार किया जा रहा है रादर एज एन ऑफिसर। सो कई सारे बायसेस हैं हमारी सोसाइटी में, एंड आफ्टर बिकमिंग एन ऑफिसर ऑल्सो मुझे लगता है कि या डिफरेंसेज आर देयर, एंड वुमेन को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को प्रूव करने के लिए। बाकी मैम कैन ऑल्सो शेयर, माय व्यूज आर अ लिटिल, इट्स ऑल बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, बट मुझे हमेशा लगा कि लाइक माय आई एम फ्रॉम द 2013 एग्जाम, 2014 बैच, वी हैव 56 वुमेन ऑफिसर्स एंड दैट्स ऑलमोस्ट 33% विदाउट एनी कोटा फॉर वुमेन, दैट इज अ प्रीटी हाई परसेंटेज। एंड इफ यू लुक एट उत्तर प्रदेश, आउट ऑफ द 75 डिस्ट्रिक्ट्स एटलीस्ट 16-17 डिस्ट्रिक्ट्स आर बीइंग हेड बाय वुमेन ऑफिसर्स। क्या बात। तो मुझे लग रहा है कि आई डोंट नो बट बीइंग इन द सर्विस द चेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस रिलीजन के हो, आप किस जेंडर के हो, आप किस कास्ट के हो, दिस टेक्स अ बैक सीट। एंड व्हाट आई हैव फाउंड इज दैट इन फैक्ट देयर इज मोर फेथ इन द वुमेन ऑफिसर्स, बिकॉज अ वुमेन ऑफिसर इज यूजुअली
sensitive also, mm-hmm. at the same time very ethical also. Mm-hmm. Mostly I'm talking about the general perception and probably truth also, general yes. experience also. So कोई भी चीज़ें जैसे होती है, let's say district में कोई situation है, तो कोई भी एक lady officer के सामने nonsense चीज़ें नहीं लाएगा, काम होगा. तो I found that even in Uttar Pradesh, the women officers are doing well. Mm-hmm. They're doing very well. I have personally never faced any particular instance where I felt that there was a difference. And in fact, when I go to the villages and I look at the girl child of the village today in places like Uttar Pradesh, I am extremely proud to say that today the women, the girls are dreaming big. And roadblocks are har kisi ki life mein aate hain. But सबसे बड़ी चीज़ है that the society has opened up and equal opportunity is coming up and women are grabbing it very well. So they're coming forward, सब मेहनत कर रही हैं, सब आगे बढ़ रही हैं. तो मुझे लगता है कि it is easier to be a woman officer. बाकी and other than that, before coming into the services, again personal experience difference हो सकता है. But at the end of the day, दुनिया में अगर आप कुछ भी करने का ठान लो, I am telling this to all the women aspirants here, अगर आप ठान लेती हैं, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका फ्यूचर परिवार हो, या दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकता. जो कई बार वेमेन को रोकता है ना, वो हम खुद होते हैं. कहीं ना कहीं वी फील कि हम कैसे इतनी मेहनत कर लेंगे, हम कैसे इतना समय दे देंगे, हम कैसे रात रात तक काम कर लेंगे. लेट मी टेल यू, आई हैव वर्क फॉर 3-4 डेज एंड नाइट्स एट अ स्ट्रेच विदाउट स्लीप, एंड इफ आई कैन सो कैन ऑल ऑफ यू. सो पहले खुद के अंदर विश्वास रखने की बहुत आवश्यकता है. And definitely, आप विश्वास रखोगे तो I'm sure every aspirant and every officer will do really well. काफी thought provoking था. आप सभी अलग-अलग राज्यों में सर्विस कर रहे हैं एंड आपने काफी सालों का एक्सपीरियंस भी गेन किया है. क्या आपने ऐसा देखा है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी में एक IAS ऑफिसर कुछ इनोवेटिव करना चाहे, कुछ नया करना चाहे, तो आर दे एनकरेज्ड, उन्हें करने दिया जाता है या नहीं? ऑफ कोर्स एनकरेज करने दिया जाता है. इनफैक्ट दिस इज़ हाईली अप्रिशिएटेड. बट मुझे लगता है थोड़ा सा देयर इज़ अ लिटिल कैच टू इट. अक्सर हमें एक जो इंट्यूशन बाहर से ये लगता है कि फॉर एग्जांपल आपको कहीं IT सेटअप करना है, यू वांट टू डिजिटाइज समथिंग, यू से इट एंड इट इज़ डन. बट नाउ मुझे लगता है एटलीस्ट एट द पोजिशंस वेयर ऑल ऑफ अस आर, इट वर्क्स मोर लाइक अ स्टार्टअप. You have to be hands-on. For example, आपको I'll tell you just a few examples. हमारे यहाँ we used to have something called as say building permission system in a municipal corporation. So it's generally the most probably the most corrupt department or where सबसे ज़्यादा जो है लोगों को दिक्कत होती है. Now when you we made it online. Now but online doesn't mean that IAS commissioner would say इसको online करते हैं, let's hire 2 people and do it. It doesn't work that way. आपको you have to sit down, research, sit with people. अच्छा कौन सी जगह पे कैसे हो रहा है, हाउ कैन इट बी मेड बेटर वाइल इट्स बीइंग डेवलप्ड, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एंटायर प्रोसेस, तब जाके समथिंग कम्स अप विच इज़ वर्थ वाइल. अदरवाइज यू एंड अप डूइंग एन नंबर ऑफ थिंग्स जिससे खास कोई इम्पैक्ट बाहर पड़ता नहीं है. सेकेंड थिंग इज अगेन सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट IT सेटअप, सो देयर वुड बी एन नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स. आई एम श्योर माई अदर कलीग्स दे वुड हैव ऑल्सो डन. माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत आप कर पाते हो. बट द सक्सेस एंड फेलियर, the main thing like is how much involved you have been in it as a you don't just work as a maybe a boss somewhere, you work as an engineer, you work as a consultant, you work as a citizen, you see it through, because jahan pe aap rahe hote ho you are better able to anticipate the problems that it might face. And at the end of the day finally isse logon ko farak actual mein pad raha hai ki nahi pad raha hai, that's the parameter. We had say birth and death registration system, it again used to be more like an offline system, so every day we used to have line of 15 jo hai 200 300 400 log line mein lage hote hain. We made it online, we closed the entire system. Now nobody comes in, nobody has to come in. Now that's the biggest parameter, because nobody has a need to come to the municipal corporation for that. So isi tarike se jab aap plan karte ho, so it's not that you give advice to somebody, you are not in an advisory role, you are not in a suggestive role ki aapne kaha ki ye is area ko hum pedestrianize karte hain, somebody will do it. You have to get it done. Aapko khud karna padega, aapko khud ko karna padega. You have to see the challenges, you have to face the challenges, you have to convince people, only then things happen. So I would say that there is, to conclude, there is ample space, ample scope, it is highly appreciated by one and all. But only thing that matters is, are you able to see it through? Are you able to get it grounded? Are you able to, you know, ensure that it takes root and it is well established as a system?
टू एड टू इट यू नो सिमिलर थॉट्स आई फील कि इमेंस अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ है करने को अगर आप करना चाहते हो. इस वजह से हमने देखा भी होगा कि जैसे एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है इंदौर का वेस्ट मैनेजमेंट का. ओके, फेल्ट नीड थी, अच्छी खासी ज़रूरत थी, सिटी अनक्लीन थी, जो कि आज के दिन हमारे बहुत सारे शहरों का हाल है. वहाँ पे किसी ऑफिसर ने नीड को रियलाइज़ किया एंड ही यू नो डिलीवर्ड सो गुड, ही प्लान्ड इट सो वेल एंड डिलीवर्ड सो गुड कि आज के दिन इंदौर एक मॉडल के तरीके से फेमस हो गया, इंदौर मॉडल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट. तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है यहाँ पे. जो दो चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, वन इज़ कि यू शुड बी एड्रेसिंग अ फेल्ट नीड. किसी भी ऑफिसर को ना सिर्फ इनोवेशन इसलिए नहीं करना चाहिए कि भाई मैं ये करूँगा, मैं पॉपुलर हो जाऊँगा, थोड़ा समझे या जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि वास्तविकता में जनता की वो आवश्यकता है या नहीं. दूसरी चीज़, लोगों को इनोवेशन करने का बहुत यू नो चस्का रहता है. बहुत बार उनके जो प्रेडिसेसर्स करके गए होते हैं, अगर आप उसको सिर्फ सस्टेन कर लो ना, तो ट्रस्ट में आप सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हो. तो एक तो एनालाइज करो कि ज़रूरत है इसकी या नहीं, और अदरवाइज आप प्रीवियस भी सस्टेन कर लो, दैट विल बी अ गुड एफर्ट. और तीसरा, इट शुड नॉट बी एन इंडिविजुअल ड्रिवन इनिशिएटिव. अल्टीमेटली ये देखो, आप चले जाओगे, यू विल बी गॉन आउट ऑफ दिस सिस्टम, आउट ऑफ दिस पोजीशन, मे बी वन और टू ईयर डाउन द लाइन. आपके जाने के बाद वो सस्टेन कर पाएगा या नहीं. सो ट्राई टू बिल्ड इंस्टीट्यूशंस. देखा है जनरली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, जहाँ पे भी यू हैव बीन एबल टू बिल्ड इंस्टीट्यूशंस, वो चीज़ें यू नो सस्टेन करी हैं, एंड दे हैव बीन एबल टू मेक अ रियल डिफरेंस इन सोसाइटी. जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी भोपाल में, तो इंदौर की फोटोज दिखा देते कि काफ़ी गंदा है, काफ़ी दिस इज जस्ट लाइक 8 years ago. एंड देन लाइक पी नहरारी सर थे हमारे, आई थिंक आई एस 2001 बैच के, तो ही वॉज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंदौर. सो नाउ आई वेंट देयर 6 months अगो ऑगस्ट में, एंड इट्स कम्प्लीटली क्लीन. वी ओपन एन अकेडमी सेंटर देयर, इट्स ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म्ड इन लाइक लास्ट 6-7 years. तो वॉट यूर पॉइंट की एक तो उन्होंने कर दिया, तो ही डिड नॉट डू इट कि वो फेमस हो जाए. इट वॉज एक्चुअल नीड. नाउ इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज इन इंडिया, मतलब सारे अवार्ड उसको मिलते हैं. सेकेंडली, अब जो नेक्स्ट जो भी आएगा, इफ ही और शी जस्ट सस्टेन्स दैट, उसको बस कर ले, द प्रोसेस इज एस्टैब्लिश्ड है, बहुत ज्यादा उसमें इनोवेशन की जरूरत नहीं है. तो बोथ पॉइंट्स आर लाइक इक्वली वैलिड. आई थिंक जस्ट टू ऐड टू इट, फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर अगेन टॉकिंग, बिकॉज़ इंदौर इज बीन अ फैंटास्टिक एग्जांपल, हम लोग भी से वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग इन श्रीनगर वेरी सिमिलर टू दैट. बट द पॉइंट अगेन इज, फॉर एग्जांपल इंदौर में इट वॉज नॉट, सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्लीनिंग इंदौर सिटी आर डेवलपिंग दैट मॉडल, इट हैड सो मेनी कंपोनेंट्स टू इट. So there was a public awareness component. For example, आप door to door collection करोगे, आपको गाड़ियाँ खरीदनी पड़ती हैं. You need funding for that. उन गाड़ियों को खरीदने के लिए there's a procurement process you have to go through. आपको driver hire करने लगाने हैं, you have to go through a procurement process for hiring the drivers. आपको IT setup बनाना है, you have to. So what I'm trying to say is that every initiative, when it if it has to be successful, there are a lot of people who are involved, of course, in it. There are a lot of components to it. So you know, all those components have to take care of it. Aapka role would be somewhere at some point of time on some of the components. So but again, it is dependent on many other factors. So if all the factors and everything falls in place in a right sync, only then you know bada ek acha ek change aa jata hai, rather than just one individual doing something. Or there is no Archimedes lever, that's what my kind of experience. Ek koi aisa nahi hai jadoo ki chhadi kahin nahi hoti hai. Sir ne jaise kaha ki koi bhi initiative agar successful hoga wo tabhi hoga jab aap usme puri tarike se lag jayenge us initiative mein. To jab bhi field mein hai usko pehle plan kar rahe hain acche se, plan karne ke baad bhi बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, तो वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल ऑल्सो कि मिड कोर्स करेक्शन चाहिए होगा ऑलवेज उसमें, कि ये हमने ये इनिशिएटिव लिया. अब लोगों से रेस्पॉन्स लेना है उसका, कि वो लोग कितना उससे हैप्पी हैं, कितनी उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उस रेस्पॉन्स के साथ उसमें मिड कोर्स करेक्शन चाहिए. एंड द लास्ट थिंग इज दिस, जब वो इनिशिएटिव सक्सेसफुल हो गया तो एक डॉक्यूमेंटेशन की भी रिक्वायरमेंट है उसकी, बिकॉज हम लोग चले जाएंगे देन नेक्स्ट ऑफिसर विल कम. SOPs टाइप कुछ, तो कुछ SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस सब ऑफिसर्स के लिए फ्रॉम द टॉप टू बॉटम सबके लिए रहेगा, तो एवरीबॉडी विल फॉलो इट अप. अदरवाइज वो क्या होगा, एक ऑफिसर ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, नेक्स्ट ऑफिसर रीइन्वेंट करना पड़ेगा, तो उसको रीइन्वेंट करना पड़ेगा, वो सिस्टम बंद हो जाएगा. इसमें एक और चीज जरूरी है जो मुझे लगता है, कि अगर मान लीजिए आपने एज अधिकारी कुछ नया किया, अब उस नए को जो आपने बात कही डॉक्यूमेंट करके उसको कहीं ना कहीं शासन तक ले जाना भी ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल जब मैं CDO बाराबंकी थी, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती थी अटेंडेंस ऑफ टीचर्स इन द गवर्नमेंट स्कूल्स. तो हम लोगों ने सेल्फी बेस्ड अटेंडेंस शुरू किया,
बहुत एक स्मॉल पायलट उसमें शुरू किया था, पहले तीन ही ब्लॉक्स में शुरू किया। तो धीरे धीरे उसमें टीचर्स की अटेंडेंस को हम डेली मॉनिटर कर रहे थे, बहुत ख़राब सिचुएशन से हम बहुत अच्छी सिचुएशन पे आने लगे। फिर इसको शासन ने रिकग्नाइज़ किया एंड पूरे स्टेट में जो उन्होंने अपना एक ऐप बनाया उसके अंदर डाल के थ्रू आउट द स्टेट ये इम्प्लीमेंट हुआ, सेल्फी बेस्ड अटेंडेंस, सिमिलर एक प्रोसीजर। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे काम करें, शासन तक उसको भेजें ताकि वो सिर्फ आपके ही जिले ही नहीं बाकी जिलों में भी हो पाए। तो वो आइडिया डाई डाउन ना हो जाए, लोगों को पता चले कि देयर इज ऑलरेडी अ सॉल्यूशन दैट एग्जिस्ट, वो री इन्वेंटिंग द व्हील वाली जो बात हो रही थी वो ना हो। और आपका ये आइडिया केवल यूपी नहीं राजस्थान में भी इम्प्लीमेंट हो चुका है, सो द सेम सिस्टम इज वर्किंग इन राजस्थान, सेल्फी ऐप फॉर टीचर्स अटेंडेंस। जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, आप लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस कैसा चल रहा है, क्योंकि अक्सर एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि आईएएस ऑफिसर्स का कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, इज इट ट्रू? बिल्कुल सही बात है, कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, संडेज भी वर्किंग है, सैटरडेज भी वर्किंग है, काफी डिस्करेज हो जाएंगे लोग। वेल, मैं फिर दूसरा पॉइंट, आई हैव अ यू नो डिफरेंट, इसीलिए पैनल बनाया था कि वी गेट टू नो फ्रॉम डिफरेंट पीपल, या डाइवर्स पॉइंट्स आर देयर। हमारा कार्डर टू कार्डर भी डिफरेंट करता है, डिफर करता है। इनफैक्ट वन बॉस टू अनदर बॉस बहुत डिफर करता है, यू नो हु यू आर रिपोर्टिंग टू, उनका कैसा यू नो बिहेवियर है, नेचर, उससे भी इम्पैक्ट होता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो यस, आई डू हैव वर्क लाइफ बैलेंस, मैं अपने परिवार के लिए समय निकाल पाती हूँ। हाँ, घर आके जो अपना घर का काम करना पड़ता है उसमें अच्छा खासा टाइम चला जाता है, झाड़ू पोछा खाना बनाना ये सब वगैरह, बट अदर देन दैट यू नो एटलीस्ट एट माय लेवल आई कैन से आई डू हैव वर्क लाइफ बैलेंस। आईएएस ऑफिसर को झाड़ू पोछा थोड़े ना करना पड़ता होगा। अब ये ओके ओके अगेन, मतलब आई वुड लाइक टू डीबंक दिस मिथ फॉर प्रॉब्ली अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स। देखिए अगेन, कार्डर टू कार्डर पोजीशन डिफर करेगी। मैं अगर अपनी बात करूँ, कहीं भी ना गवर्नमेंट की तरफ से आपको नौकर चाकर नहीं दिए जाते हैं, कोई ऐसा नहीं होता है रिटर्न ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कुक है या ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की यू नो क्लीनर है, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिफरेंट डिफरेंट प्रेसिडेंट्स आर देयर इन डिफरेंट पोजीशंस एंड डिस्ट्रिक्ट्स। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो नहीं, हमें ऐसा कोई कुक क्लीनर नहीं मिलता है, अपने घर का काम मैं, मेरा हस्बैंड, हम दोनों मिलके करते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़, अगेन पोजीशन में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कम करवाओगे। मैं सच बता रही हूँ, अपना काम खुद करना भी चाहिए, एंड कोविड ने हमें सिखाया भी। कोविड के टाइम पे आई थिंक अनअकैडमी ने इतना बड़ा रोल प्ले किया, बिकॉज वो सिनेरियो ऐसा था जब एक दूसरे से जुड़ने के लिए एक वर्चुअल ही माध्यम था। तो आई थिंक दैट वे आई कंग्रेचुलेट अनअकैडमी, बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया, बिकॉज वो सिनेरियो ऐसा था जब एक दूसरे से जुड़ने के लिए एक वर्चुअल ही माध्यम था। तो आई थिंक दैट वे आई कंग्रेचुलेट अनअकैडमी, बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया, एंड अपना काम तो खुद करना चाहिए, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव लर्न्ड दैट फ्रॉम कोविड। अच्छा, मतलब यहाँ पे बिकॉज यू आर द ओनली वन हु बिकेम अ डीएम, तो लाइक काफी लोग कमेंट्स में मतलब लाइक इट्स ओनली अबाउट दैट पोजीशन, मतलब इट्स लाइक आईएएस इज सिनोनिमस विद दैट, मतलब बाकी हो ना हो, बाकी कुछ मिले ना मिले एक बार, सो उसमें कितना मतलब ट्रुथ है, कितना मतलब पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ उसको लेना चाहिए, मतलब डीएम सीएम पीएम जो मतलब जैसे बोलते हैं लोग उसको एक ही लाइन में, तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट पोजीशन? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी वाला पद है, एंड इसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ज़िले में कोई भी इशू होगा, यू आर द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फुली फॉर इट। तो आई थिंक एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सोते जागते खाते पीते दिमाग में जिला ही चलता था। आई मीन फॉर मी, माई टेन्योर इन हापुड़, छोटी सी घटना हुई थी, एक 4 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया था, and that was a 54 feet deep borewell, and that child was deaf and dumb. So at that point of time, everybody looks towards the district magistrate ki kya kare, kaise kare, and I don't remember, matlab khana peena wagera to sab aap bhul jate ho, you forget everything, and aap ek us passion se jud jate ho. We were lucky ke 4 ghante ke andar with the support of NDRF humne us bacche ko bahar nikala, but jo अप्स एंड डाउन्स थे, जब बीच में NDRF की टीम ने भी कह दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज द चाइल्ड वॉज नॉट एबल टू लिसन टू अस, वो हमारी बात नहीं सुन पा रहा था। तो मतलब उस तरह के चैलेंजेस जब आते हैं, वन रियलाइजेस कि जो पद है इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग पद, एंड तब क्या होता है ना कि आप खुद कौन हो, कहाँ से हो, सब पीछे हो जाता है, जो पब्लिक गुड की बात आती है ना, यू सैक्रिफाइस फॉर इट। तो डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट बहुत अहम है, एंड बहुत सीखते हो आप, इतने लोगों की जिम्मेदारी आप पे होती है, बट इवन एज अ पर्सन यू चेंज,
बट ऐसा नहीं है कि डीएमशिप इज़ दी ओनली हाई पॉइंट. अगेन आई हैव वर्कड एज एसडीएम सदर इन उन्नाव, आई हैव वर्कड एज चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर इन बाराबंकी, आई हैव वर्कड एज एडिशनल रेवेन्यू कमिश्नर इन मेरठ एंड नाउ इन ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी. जो आपका काम जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ का आप देख रहे हो, तो ग्रेटर नोएडा की साफ़ सफाई, ग्रेटर नोएडा का पानी का वाटर सप्लाई, ग्रेटर नोएडा का अर्बन एम्यूनिटीज़, जितने इंडस्ट्रियल अलॉटमेंट्स है, सब कुछ. तो हर पद की अपनी जिम्मेदारियां हैं. अगर आप उसको खुल के मेहनत से आप लोगों के लिए डिलीवरी के लिए ऑनेस्टली इंटेग्रिटी से काम करेंगे तो उतना ही सैटिस्फाइंग मुझे लगता है हर पोस्टिंग होती है. डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल्स डीएमशिप में ज़्यादा है, इसीलिए वर्क लाइफ बैलेंस आंसर आया था. बिल्कुल नहीं. आपके व्यूज वर्क लाइफ बैलेंस पे पहला क्वेश्चन चल रहा था. सो मुझे लगता है अगेन एज इट वाज सेड, ये पोस्टिंग पे भी या जहाँ भी असाइनमेंट पे भी डिपेंड करता है. किसी असाइनमेंट में भी स्लाइटली जब डीएम है तो यू आर लाइक इट्स अराउंड द क्लॉक जॉब. सो बाकी जगहों पे इट्स मे बी रिलेटिवली ईजियर. सो मुझे लगता है ब्रॉडली डिपेंड्स ऑन दैट. दो आई थिंक आई एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई मुझे लगता है दुनिया में काम नहीं है वेयर यू कांट फाइंड टाइम फॉर योर फैमिली और योर सेल्फ. इट डजेंट वर्क दैट ईदर समथिंग इज रॉन्ग विथ यू और समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग समवेयर. अदरवाइज कोई भी आप काम करते हो, यू हैव ऑफिस का टाइम है, अच्छे से कर पाते हो. बाकी भी हाँ, किसी दिन आप थोड़ा लेट बैठना पड़ता है या किसी दिन संडेज को भी करना पड़ता है. दीज डेज वी वर्क लाइक दैट बिकॉज द काइंड ऑफ वर्क दैट्स गोइंग ऑन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आपको ज़रूरत होती है कोई फैमिली के पास या यू आर एबल टू डू दैट, इट्स नॉट टू बैड to that matter. I have just maybe to this DM wala question, though I haven't yet joined the assignment, but I have ab jitne bhi baki mere kafi sare batchmates bhi hain, but mujhe ek cheez lagta hai, of course DM ship mein jo responsibility hota hai is like the head of the family in that entire portion. There's lot of responsibility, you're the only person whom people fall back upon. Aap jaise issues and day-to-day issues, let's call them, you're highly important in that point of view. But जहाँ तक अगर हम development का portion देखते हैं, मुझे लगता है that scope is far more in other assignments as compared to say district magistrate. Because as a district magistrate, your आपके table पे already इतना सब कुछ होता है, this would not let you the time. Plus आपका role description ही वैसा नहीं है. सो मुझे इस समय फॉर एग्जाम्पल एज म्यूनसिपल कमिश्नर और एज सी ओ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, इट्स हाईली जैसे हम वो जनरलिस्ट वर्सेज स्पेशलिस्ट, इट्स अ वेरी स्पेशलिस्ट जॉब. अर्बन डिवेलपमेंट, अर्बन डिज़ाइन एंड द काइंड ऑफ थिंग्स आई हैव लर्नड इन पास्ट टू ईयर्स थ्री ईयर्स, इट्स लाइक फिनोमिनल. रोड डिज़ाइन कैसा है, जंक्शन डिज़ाइन क्या है, यूटिलिटी रैशनलाइजेशन कैसे करते हो आप, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिसमें हाउ इट्स अ होल world altogether. So मुझे लगता है ये बहुत opportunity मिलती है in assignments other than the district magistrateship. So अगर मुझे लगता है I would probably personally prefer more such kind of specialist kind of an job where you feel like at the end of the day you have done something. Of course in other things also, but it's kind of a very different category altogether. So कुछ जैसे फील्ड की जॉब्स, ऑल ऑफ यू आर इन द फील्ड ओनली, तो फील्ड में एक जो वर्कलोड है या जो आप चीज़ें कर सकते हैं, इट्स ह्यूज. यू सी द चेंज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू. दिस इज़ द टाइम एंड नॉट जस्ट फॉर द IAS. आई वुड से अगर आप एक कप्तान की पोस्ट देखते हैं, IPS ऑफिसर की, अगेन हेल्म ऑफ देयर एंटायर पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत जिम्मेदारियाँ होती है. सिमिलरली आप IRS में देखते हैं, आप इनकम टैक्स ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन विंग में है, तो ये डेफिनेटली फील्ड की पोस्टिंग को पूरा अपना बेस्ट देना चाहिए मुझे लगता है, पूरी मेहनत करनी चाहिए. बिकॉज वंस यू रीच द सेक्रेटेरिएट, देन यू स्टार्ट मेकिंग द लॉज, यू नॉट द इम्प्लीमेंटर. पॉलिसी फॉर्मुलेशन बिकम्स ग्रेट. तो एनी अभी फील्ड ही देखा है, सो डेफिनेटली सेटिस्फाइंग है, रहेगा एंड देना भी चाहिए अपना बेस्ट. आप कुछ कह रहे थे? मैं यहाँ पर एस्पिरेंट्स के लिए एक बात बता रहा था कि अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि IAS क्रैक करने के बाद हम सीधा DM बन जाएंगे. ऐसा नहीं होता है, आपको कुछ साल लग जाते हैं व्हेन यू गेट द पोस्ट ऑफ DM. तो जैसे अलग अलग पोस्टिंग्स में आप सभी भी काम कर रहे हैं, तो ये बताता है कि देयर आर मेनी स्पेशलाइज्ड पोस्टिंग्स जिनमें आप काम करेंगे. एंड मयंक, आपके विचार में जाना चाहूँगा. यू आर द यंगेस्ट ऑफ द पैनल एंड ऑल्सो अभी आपको सर्विस में 3 साल हुए हैं, तो वर्क लाइफ बैलेंस आपका कैसा चल रहा है? ठीक ठाक रहता है लगभग वर्क लाइफ बैलेंस. ऐसा नहीं है कि पूरे दिन लगभग काम में लगे हुए हैं. ठीक है, बोलते हैं 24/7 जॉब है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 24 आवर्स वर्क करना है, मतलब कोई भी नहीं कर सकता 24 आवर्स काम देखा जाए। द पॉइंट इज दिस, इट्स नॉट ए 9 to 6 जॉब। ऐसा नहीं है कि 9 बजे से पहले कोई काम आएगा तो हम हाथ खड़े कर देंगे कि नहीं भैया नहीं कर सकते इस काम को, बट टाइम मिलता है उसके अलावा। हो सकता है कुछ मंथ्स ऐसे हों, कुछ पर्टिकुलर पोस्टिंग्स ऐसी हों जिसमें बहुत ज़्यादा काम होगा, एंड दैट इज़ ट्रू फॉर एवरी जॉब। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो भी ऐसा नहीं है कि मतलब काम उतना नहीं है, वहाँ पे भी आपको सारे डायमेंशंस देखने हैं। तो लेकिन हाँ, एक गुड अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता है। डीएम वाला टेन्योर एक हो सकता है, आई थिंक मैम जैसे बोल रही थी कि उसमें टाइम का मतलब बहुत एग्जॉस्टिव हो जाएगा, बट बाकी टाइम पे एक ठीक ठाक अमाउंट टाइम हम लोगों को मिल जाता है। ओके, अब मैं कुछ प्रिपरेशन से रिलेटेड बातचीत आप लोगों से करना चाहूँगा। तो अक्सर स्टूडेंट्स का एक सबसे बड़ा डाउट ये रहता है इस समय कि प्रिपरेशन के समय सोशल मीडिया पे रहें ना रहें, शुड बी कम्प्लीटली कट इट ऑफ। तो इस पे रोमन, मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा, बिकॉज आई रिमेंबर यू आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया व्हेन यू बिकेम एन ऑफिसर, बट आफ्टर दैट आप एक्टिव नहीं है, अब तो बिल्कुल ही नहीं है। तो क्या फिलोसफी या थिंकिंग है? मतलब सबसे पहले टेक्नोलॉजी जो ह्यूमंस ने इन्वेंट की फायर थी। अब फायर अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है आप बताओ मेरे को, कि आग भी लग सकती है, बिल्डिंग जल सकती है, और उसके बिना तो कुछ सोच ही नहीं सकते आप ज़्यादा। जब मतलब कोई भी नहीं, जैसे साइकिल जब इन्वेंट हुई थी, काफ़ी फनी स्टोरी है, तो पीपल गॉट अफ्रेड कि वुमेन विल लीव देयर टाउन्स एंड विल गो टू अदर टाउन्स, इट इज़ अ वेरी बैड थिंग। काफ़ी मैसिव इशू हुआ था जब साइकिल डिस्कवर हुई थी, क्योंकि उससे पहले मोस्ट ऑफ द वुमेन जो थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी अपने टाउन में, देख जा ही नहीं सकती थी। तो काफ़ी लोगों को डर लगा कि इससे हमारा समाज चेंज हो जाएगा। यूएस बहुत प्रोटेस्ट हुए थे जब इलेक्ट्रिसिटी आई थी, तो लोगों का एक जॉब होता था तेल भरने का, जो लैम्प्स होते थे उसमें, तो उन्होंने बोला बहुत प्रोटेस्ट। जब कार आई तो हॉर्स। तो हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अच्छी है कि बुरी है, उससे कैंसर का ट्रीटमेंट भी होता है और उससे हिरोशिमा नागासाकी भी होता है। तो अगेन टेक्नोलॉजी फायर से लेके आज तक, अब एआई आएगा, कुछ आएगा, तो डिपेंड्स ऑन यू टोटली। अभी जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हो सोशल मीडिया पर, इस वीडियो पर मेरी वाइफ मेरे को बता रही थी कि काफ़ी ऐसे कॉमेंट्स थे कि रोमन बहुत काले हो गए हो आप, और मतलब ऐसे 15-20 कॉमेंट्स थे कि शायद नहाते नहीं हो, और मतलब कि बिल्कुल ही मतलब हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे। तो मतलब अब इट विल बी लाइक हर्टफुल कि मतलब आपकी वाइफ ये पढ़ रही है और आपको ये बता रही है, मतलब नॉट बी अ, बट मेरी थोड़ी थिक स्किन हो चुकी है सब करते हो, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ा। बट अगर आप मान लो एस्पिरेंट हो, आपका कोई दोस्त वहाँ पे कुछ कमेंट करते, हो सकता है आपके 6-12 घंटे ख़राब हो जाए उसमें। तो यू टेक द बेस्ट ऑफ इट कि भाई ऐसे इंट्रैक्शन आपको सोशल मीडिया पर ही मिलेंगे, व्हाट्सएप पर यू कैन कोऑर्डिनेटेड विद लाइक माइंडेड एस्पिरेंट्स, आप मतलब PIB वगैरह पढ़ सकते हो, तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऑनलाइन पढ़ सकते हो। 2013 में तो उतने नहीं थे रिसोर्सेज, मैं और मेरा तैयारी करते थे, बट अब तो मतलब एवरीथिंग देयर, इट्स 10 years सिंस आई प्रिपेयर्ड। तो ऑब्वियसली इसका यूज़ करना चाहिए, जस्ट लाइक यू यूज़ फायर। आप फायर इसलिए नहीं बंद करोगे कि कोई बिल्डिंग जल गई और उसमें लेट से कुछ लॉस हो गए, तो खाना तो पकाना ही पड़ेगा। जस्ट लाइक फायर जब भी आई होगी तो कितना डर लगा होगा ना कि इसको कैसे कंट्रोल करेंगे क्या, लाइक लाखों साल पहले, और एज अर्ली एज AI जो अभी आई है लास्ट 6 महीने में। तो दैट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे कार्स हो, चाहे साइकिल हो, चाहे फायर हो, पीपल थोड़ा देर डरते हैं, फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। ज़्यादातर लोग उससे बेनिफिट होते हैं, कुछ लोगों का उससे नुकसान होता है। टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूटिलाइज इट। आप लोगों का क्या विचार है सोशल मीडिया पर? आई थिंक ड्यूरिंग द प्रिपरेशन probably maybe it's a personal again, I think one should avoid it as much as you can. After the preparation, after you are in, then you have a lot of maybe scope. Not actively, I'm not saying ki actively karo, but passively you can consume. So the thing is, again jaise Roman sir bata rahe, it's not only about say social media what you are sharing, it's also about what you are consuming, that's more important. Aajkal yah reels hain, aajkal itne videos hain, ko pata nahi chalega ki 1 ghanta 2 ghanta 3 ghanta kahan se ho gaya hoga. Aur the problem is that jab aap तैयारी कर रहे हैं, मेरे लिए बड़ा ये था, कभी अगर मैंने मूवी कोई देखी तो मुझे अगले 2 दिन तक उसके वो दिमाग में चलता रहता था, यू वुड गो थ्रू दैट। सो इसलिए आई वुड नॉर्मली ट्राई टू अवॉइड, कि है तो उन दिनों ज़्यादा इसको अवॉइड ही करें, बिकॉज दैट हेल्प्स यू फोकस मोर, और एटलीस्ट आपका प्रोडक्टिव टाइम निकलता है। इफ़ यू वॉन्ट सम एंटरटेनमेंट, यू कैन यूज अदर, देर मे बी सोशल मीडिया के बगैर देर आर अदर सोर्सेज वेर यू कैन आप म्यूजिक देखें वगैरह देखें, बट सोशल मीडिया में द फैक्ट इज दैट द वे इट is dopamine now functional, the way your whole dopamine series gets into play, so to bada mushkil hota hai aap apne aap ko isse distract karna, ye isse hatana, to mujhe lagta hai taiyari ke dauran one should avoid, and apart from that it's a very powerful medium, mujhe personally bada ye influential medium laga hai, if you want to use it well you can definitely तो बड़ा एक इम्पैक्टफुल बना सकते हो। अगेन इवन आफ्टर द सर्विस इज समथिंग विच लार्जली शुड बी टेकन लेस सीरियसली देन
इसका एक है, इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ, इट कैन बी यूज पावरफुली, इट कैन, बट ऐसा नहीं है कि वन हैज़ टू टेक इट टू पर्सनल और टू सीरियसली दैट मैं नहीं हूँ या कम यूज़ कर रहा हूँ या किसी ये चीज़, दैट्स दी, इट्स नॉट द वर्ल्ड, इट्स नॉट एवरीथिंग. इफ यू लुक एट इट रिक्रिएशनली यस, बट इफ यू लुक एट इट प्रोफेशनली एज ऑफिसर्स, इट इज़ अ टूल टू रीच द पब्लिक. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी यूपी में इन्वेस्टर्स समिट पर बहुत जोर रहा, तो हापुड़ बीइंग क्लोज टू दिल्ली, तो हम लोगों ने इन्वेस्ट इन हापुड़ करके बहुत सारा सोशल मीडिया पर डाला. लॉट ऑफ पीपल कॉन्टैक्टेड फ्रॉम दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा. वी वर एबल टू रीच 35,000 crore के MOUs. तो मतलब कहीं ना कहीं इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. एग्जैक्टली. इसको हमें ध्यान से यूज़ करना है, बट आज के डेट में यूज़ तो डेफिनेटली जनता को पहुँचने के लिए हमें करना होगा. Yeah, if I would want to comment about it, like when you are at the aspirant stage, तो उस टाइम पे मेक सेलेक्टिव यूज़ ऑफ इट. पर्टिकुलरली अगर आप उसमें चले गए ना एक बार टेंशन में कि सोशल मीडिया ना, इट लीड्स टू अननेसेसरी लॉट ऑफ सुपरफिशियल कंपेरिजन्स. जब आप एस्पिरेंट हो, आप ऐसे अच्छे गंदे कपड़ों में घर बैठ के प्रॉबली बिना नहाए सुबह से शाम तक पढ़ रहे हो, आपकी ऐसी हालत है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है. और उस टाइम पे अगर आप देख रहे हो आपका फ्रेंड कोई फॉरेन वेकेशन पे जा रहा है, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, यू नो दे आर हैविंग द फन ऑफ देयर लाइफ, तो ये अननेसेसरी कंपेरिजन्स करके इट कैन डैम्पन योर स्पिरिट्स. तो वो अवॉइड करके प्रोडक्टिव यूज़ करो. जैसे मैंने उस टाइम पे व्हाट्सएप तक भी मैं बहुत कम यूज़ करती थी. टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स थे, यू नो स्टडी से रिलेटेड, वो चैनल ज्वाइन कर रखे थे. FB वगैरह कम्प्लीटली, यू नो आई वॉज ऑफ FB एट्सेट्रा. इंस्टा तो उस टाइम पे इतना था ही नहीं. और सो मेक सेलेक्टिव यूज़ ऑफ इट, एंड प्रॉब्ली आफ्टर कमिंग इन टू सर्विस, जैसे मैम ने बोला, तो देन इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. इट इज़ सो यूजफुल टू रीच आउट टू द मासेस एंड यू नो मेक वेरी प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ इट. मैं तो यही कहूँगा, एस्पिरेंट को एक फाइन बैलेंस बनाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया यूज़ करो या ना करो, थोड़ा सा सोशली कनेक्टेड रहने की ज़रूरत है. ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन के वक्त एक बंद कमरे में बैठ के और सारे दिन बुक्स के अंदर बैठे हैं, तो वो भी अननेसरी एक निगेटिव एनर्जी स्प्रेड करेगा, स्ट्रेस होगा. तो कोई ना कोई ऐसा मीडियम होना चाहिए थोड़ी बहुत देर के लिए, जिससे या तो बात कर लें फ़ोन पे या कुछ भी कर लें, थोड़ा सा सोशल कनेक्टेड रहें, ताकि ये जो स्ट्रेस है ये डेवलप ना हो. बट अगेन, बहुत ज़्यादा टाइम यूटिलाइज करना ठीक नहीं है इसके ऊपर. राइट. अब अगला जो क्वेश्चन है वो यंग एस्पिरेंट से रिलेटेड है. आजकल जैसे हम लोग एज टीचर्स देखते हैं कि कई स्टूडेंट्स जो स्कूल में हैं वो हमें मैसेज करते हैं, पूछते हैं, आई एम श्योर आप लोगों को भी करते होंगे, कि तैयारी अब कब से शुरू कर दें, मैं 9th में हूँ, 10th में हूँ, 11th में हूँ. व्हाट डू यू गाइस हैव टू से अबाउट इट, द राइट टाइम टू प्रिपेयर? मुझे तो पर्सनली बड़ा दुख होता है जब 5वीं 6वीं के बच्चे कॉल कर करके पूछते हैं ना, या उनके पेरेंट्स आके पूछते हैं मेरे बच्चे का मन है. बच्चे को नहीं पता होगा 5वीं 6वीं में सीरियसली कि उसे IAS बनना, IPS बनना, यूजली पेरेंट्स बोल रहे होंगे. तो ये जो स्कूल टाइम में स्टूडेंट्स अपने आप को इतना यू नो प्रेशर में ला देते हैं, हमें अभी UPSC की प्रिपरेशन करनी है, आई एम काइंड ऑफ अगेंस्ट दैट ट्रेंड. एंड आई यूजुअली डिस्करेज, आई टेल स्टूडेंट्स, भाई इस टाइम पे आप अपने ना फंडे क्लियर कर लो, आप 11th में और 12th में उस समय की पढ़ाई कर लो, एक्स्ट्रा करिकुलर कर लो, सच के फ्रेंड्स बना लो, नॉट जस्ट वर्चुअल फ्रेंड्स एंड ऑल. आप अपनी सोशल लाइफ, एक जिंदगी जी लो. ग्रेजुएशन में भी अपने ग्रेजुएशन के फंडे क्लियर करो, ऑप्ट फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, हैव अ लाइफ. उसके बाद हाँ, 1 साल 2 साल 3 साल तब डट के पढ़ाई करो. मैं तो मतलब कम्प्लीटली डिस्करेज करूँगी, बहुत अननेसेसरी प्रेशर आ जाता है. और कोई भी बताए, बहुत हाई पिच पे ना इतना लंबा समय कॉन्टिन्यूस प्रिपरेशन नहीं कर सकता. कोई 12वीं में शुरू करेगा, 12वीं के बाद फुल ग्रेजुएशन एंड देन प्रॉब्ली 1 or 2 years लेटर, 5 साल कोई नहीं कर सकता 10-10 घंटा पढ़ाई. प्लीज डोंट डू दैट. 11th 12th की बात करो, कई लोग ऐसे हैं जो 5th से 6th में आ रहे हैं और देन दे आर सेइंग कि क्या करें, 6th क्लास वो एज नहीं है कि अखबार पढ़ना शुरू कर लो, दैट इज गुड एनफ फॉर यू. आई हैव अ लिटिल फनी इंसिडेंट टू शेयर. सो जब सिलेक्शन के बाद तो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, तो अब इतने सारे मैसेज यू कांट रिप्लाई नहीं, तो मैंने एक बड़ा एक स्टैंडर्ड एक मैसेज बना के रखा था. ओके, यू स्टार्ट विद दिस, दिस इज द बुक लिस्ट. सो एक देयर वाज अ मैसेज फेसबुक पे, समबडी, माय सन, आई वांट हिम टू बिकम दैट, व्हाट शुड ही डू. तो मैंने फेस करके आई सेंट इट टू, बट इट वाज अ वेल, बड़ा सोच समझ के मैंने वो मैसेज रखा था, सो दैट इट लार्जली जो मुझे लगा कि एक हेल्प कर सकता होना चाहिए. After I think 4-5 months, he wrote thank you वगैरह. I was just some scrolling something. I saw the picture of his son, and it, he must have been 4 months. Oh God! Five months. It's still my phone. I had taken a screenshot. So that's on a lighter note. But I think मुझे लगता है जहाँ तक preparation की सवाल का सवाल है. See, IAS की एक अच्छी खूबी जो exam की ये है. It's not that you know आप एक particular line of
हार्ट और सिर्फ आपको हिस्ट्री रटनी है और ज्योग्राफी पढ़नी है, दैट इज़ द प्रिपरेशन. यू आर ग्रूमिंग योर सेल्फ, यू आर एक्सप्लोरिंग थिंग्स. आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप यू आर वॉचिंग टेलीविजन समवेयर, यू आर वॉचिंग अ गेम समवेयर, यू लर्न, यू गेट ग्रूम्ड दैट वे. मुझे लगता है जहाँ तक कॉन्शियस ग्रूमिंग ऑफ यू एज अ पर्सन, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना, आपकी राइटिंग को इम्प्रूव करना, जनरल एक रीडिंग हैबिट, आप कितनी सारी बुक्स पढ़ो जो भी आपको मिलती हैं, आप नॉवेल्स पढ़ते हो, नॉन फिक्शन पढ़ते हो, पढ़ने का खास तौर पे जितना आप पढ़ सकते हो, वन शुड फोकस एज अर्ली जितना भी, जहाँ तक जितना भी हो सके, इन ऑर्डर टू ग्रूम वन सेल्फ इन दैट सेंस. फिर आगे जाके आपको जब आप कॉलेज में भी पहुँचते हो, इफ़ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू इन IAS, दिस विल डेफिनेटली हेल्प. दिस विल अगेन ऑल्सो हेल्प यू इन मेकिंग अ बेटर डिसीजन वेदर यू वॉन्ट, दिस इज समथिंग यू वॉन्ट टू डू, या आप कहीं एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हो, आप कोई दूसरा काम करना चाहते हो. So my sense is that one should prepare oneself not for a exam but in general as a group, and this will help. और ये कोई ऐसा, it's not a very philosophical way of saying it, I mean this is something practically one should do, कि आपकी जो है range of जो आप पढ़ाई करते हो, जो आप चीज़ें, जो आपका world view है, उसको आप improve करने की कोशिश करें, आपकी language skills को improve करने की कोशिश करें, आपकी writing को improve करने की, आपके सोशल स्किल्स को, आपके एग्जाम्स को भी देखें तो 3 स्टेज जो प्रोसेस है उसमें 3rd स्टेज को इंटरव्यू नहीं बोल रहे हैं वो लोग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोल रहे हैं. तो अगर बहुत स्टार्टिंग एज में ये शुरू कर देंगे तो पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं हो पाएगा वो वाला वहाँ पे. एक बहुत एक प्यारी बुक है मैल्कम ग्लैडवेल की, यू मस्ट हैव रेड इट, दैट आउटलायर्स फॉर एग्जांपल, या इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी एक और उसकी बुक है इन विच ही टॉक्स अबाउट, यू नो जब हम बच्चे की बात करते हैं, सो एक सोशल स्किल्स, दो बच्चा है वहाँ, एक बच्चा वो है जो कॉन्फिडेंटली डॉक्टर के पास बता पाता है कि डॉक्टर साहब मुझे यहाँ, मैं यहाँ बीमार हूँ, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है. सो दैट काइंड ऑफ ग्रूमिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि इतने हज़ारों कंपैरिजंस हैं, हज़ारों लोग हैं जिनकी, कि इफ दिस काइंड ऑफ जो preparation one is able to do, or in his kids or whatever, jinke bare mein bhi one would be concerned, that more is something of a very child abuse. 5th class ke bachche ko koi UPSC jaisa, main to soch bhi nahi sakta, main to 10th class tak to maine padhai kari hi nahi life mein kabhi, matlab main sirf cricket khelta tha, matlab physical, Tekken 3, PlayStation, jo bhi matlab resources available hote the, comics padhta tha usse, I think I have gained much more than like being ki main kuch encyclopedia pad leta Britannica ya kuch बचपन में आप हार जाते हो, कहीं बॉल लग जाती है सर पे तो आप उड़ जाते हो, तब जाके जब आप बड़े हो जाते हो, कहीं सीनियर से डांट पड़ती है, यू आर काइंड ऑफ अच्छी खासी पब्लिकली, यू आर एबल टू withstand it, because नहीं तो कुछ लोग बहुत दिल पे ले जाते हैं, हारने की आदत होनी चाहिए. So I think it's a process that one should consciously go through. लेकिन अभी students आ रहे हैं. I have had students of 6th class in my plus classes. दो बच्चे थे जो regularly attend कर रहे हैं class and they used to write answers और सब कुछ कर रहे हैं. Then I counseled them of course कि थोड़ा सा अपना school की तरफ आप ज़्यादा ध्यान दीजिए. तो ठीक है जा रहे हैं, बट दे आर सो मच इनटू इट कि वो आकर क्लासेस दो दो घंटे की अटेंड कर रहे हैं, व्हिच इज एक पॉइंट जो हम लोग एक अक्सर, मुझे लगता है, आई एम सॉरी, आई एम प्रोबब्ली टेकिंग लिटिल बिट ऑफ टाइम ऑन दिस, कि वी एक्सपेक्ट दैट वी नो व्हाट वी वांट टू डू, किसी को पता नहीं होता है कि क्या करना है. मेडिकल कॉलेज तब तक मैथमेटिक्स भी रखा था, देन आई ज्वाइंड IIT. IIT में देन वी हायर स्टडीज के लिए जाएंगे वगैरह वगैरह. सो द पॉइंट इज दैट जब तक अच्छे से देखेंगे नहीं, जब तक अच्छा इससे एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, वन मे नॉट बी एबल टू डिसाइड सच, मेक सच एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट लाइफ. सो वी शुड लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम ट्राई दिस थिंग एट दैट थिंग, एंड देन मूव ऑन. एंड यहाँ पे आई थिंक हम अनु मैम का एग्जाम्पल जरूर स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, तो जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देते हैं आपकी जर्नी के बारे में. इन्होंने MBA किया, शी वर्कड इन अ कॉर्पोरेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड काफ़ी लेट इन लाइफ शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. इसका मतलब ये नहीं कि देर हो गई है, चाहे दुनिया आपको जो भी कहे, कुछ भी कहे, यू कैन क्रैक दिस एग्जाम एट एनी एज. तो इनका रैंक 2 है. गौरव अग्रवाल जो पिछले वीडियो में हमारे साथ थे, ही क्रैक्ड इट एट 29, रैंक 1. तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काफ़ी एडवांस एज पे आफ्टर वर्किंग, ऐसा नहीं है कि कुछ और नहीं कर रहे थे, दे आर वर्किंग समवेयर एल्स एंड देन दे क्रैक द एग्जाम.
और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एग्जाम को जो है लिखा और फिर छोड़ दिया, जैसे कि रोमन। आई लाइक टू नरेट एन इंसिडेंट। तो रोमन वाज विद मी इन द भारत दर्शन। तो हम लोग को जाना था दांतेवाड़ा। सो दांतेवाड़ा वेरी सेंसिटिव बिकॉज़ ऑफ द सिचुएशन देयर। हम लोग सब शांति से, किसी को पता ही नहीं चले कि हमारे टीम ऑफ ऑफिसर्स आ रहे हैं। हमारी जैसी बस वहाँ से जाके उतरती है, आई एम लिटरली, मतलब दिस इज योर पैशन विच यू हैड बीन परसुइंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। लोग बिल्कुल हम लोग को साइड करके, अरे रोमन जी कहाँ है, एंड पूरे दांतेवाड़ा को पता था दैट ही इज कमिंग। तो पैशन इज समथिंग, अगेन आई लाइक टू टेल द एस्पिरेंट्स, पता नहीं होता है कि लाइफ कहाँ लेके जाएगी, एंड इसी का नाम जिंदगी है, यू कीप वर्किंग। आई मीन वी नेवर थॉट के रोमन वुड be making such a big channel, such a big bura, apne jitna pura apna venture kiya hai. Yeah, one of the established entrepreneurs now today. And again, you've gone through a lot. I think you should speak up. बताना चाहिए। नहीं, मतलब अभी सी देखो, मतलब अगर 70s का इंडिया होता, 60s का इंडिया होता, तो बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी। ज़्यादातर लोगों को तो ये नहीं पता था उनकी नेक्स्ट मील कहाँ से आने वाली है। यू आर गोइंग थ्रू वॉर्स, मतलब पूरा फैमिन कंडीशन, काफ़ी कुछ रहता था। तो उस टाइम तो मतलब जो मिल जाए उसको पीपल यूज टू लैच ऑन। गवर्नमेंट जॉब लग गई तो बेस्ट है, मतलब यू आर बेसिकली सॉर्टेड कि यू विल नॉट लाइक बी हंग्री एन नाइट। तो तब का जब अपॉर्चुनिटीज थे बहुत लिमिटेड थे। अभी 2023 चल रहा है, यू कैन एक्सेस लाइक एनी जॉब इन द वर्ल्ड, देर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। लाइक बिकमिंग अ यूट्यूबर 10 years अगो पीपल यूज टू लाफ, नाउ देर आर पीपल लाइक मिस्टर बीस्ट एक्सेट्रा जो पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो विद टाइम अपॉर्चुनिटीज विल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, दे आर नॉट गोइंग टू डिक्रीज। तो आप करो, मतलब ऑब्वियसली आईएएस की प्रिपरेशन करना है तो करो, बट एटलीस्ट हैव एन ओपन माइंड कि वे देर आर 10 things अदर्स विच यू कैन डू, एंड यू कांट लाइक नो योर पैशन विदाउट डूइंग इट। कैसे, मतलब सपना नहीं आएगा कि मतलब मेरे को ऑथर बनना है, यू हैव टू राइट समथिंग। जैसे चेतन भगत वगैरह का बात कर रहा था तो उसने बताया था कि भाई बोर हो गया इन्वेस्टमेंट में एक दो दिन, मतलब तो बुक लिखी है, थोड़ा बहुत कॉन्टेंट लिखा तो बोला अच्छा लगा यार लिखना। इट्स नॉट बिकॉज कि उसको बहुत फेमस ऑथर हो गया। तो सिमिलरली लाइक ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, मे बी यू रियलाइज योर पैशन। अदरवाइज लाइक ये तो सब कुछ है, होता है देयर यू विल नो एवरीथिंग व्हाट यू आर गेटिंग इनटू जॉब। पहले प्रॉब्लम ये भी होती थी कि लोग आईएएस इसलिए बनते थे क्योंकि मम्मी पापा शायद नहीं बन पाया तो आपको मतलब आगे कर दिया, स्पेशली डॉक्टर्स में तो बहुत होता है। तो अब एटलीस्ट यू हैव द परस्पेक्टिव, मतलब इसीलिए नाम मैंने इसका परस्पेक्टिव रखा है कि पता होना चाहिए कि भाई जा किस में रहे हो। मतलब हमारे टाइम तक भी 2010-11 में अनलेस यू हैव अ कि आईएएस ऑफिसर आपके घर में, पता ही नहीं होता था कि सर्विस के बाद क्या होने वाला है। तो एटलीस्ट नाउ दैट कंप्लेंट कांट बी देयर कि पता नहीं है कि क्या मिलेगा, कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। इवन हमारे टाइम में मुझे भी आइडिया नहीं था, मुझे खाली एसडीएम और डीएम ये दो चीज़ें पता थी, इसके अलावा नहीं पता था आईएएस का काम क्या है, सेक्रेटेरिएट में कौन बैठता है, कोई आइडिया नहीं था उस चीज़ का। तो एटलीस्ट इतना अवेयरनेस होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं आगे जाके, क्या मिलेगा, क्या पोस्टिंग्स हैं, थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना जरूरी है। आई वुड वांट टू ऐड ऑन टू यू नो व्हाट यू मेंशन कि यू नो अबाउट हैविंग एन ओपन पर्सपेक्टिव। सी हम जनरली ना मोटिवेशनल टॉक्स में या व्हेन वी आर टेलिंग द एस्पिरेंट्स, तो हम लोग ये बोल रहे होते हैं दोज हु हैव क्लियर द एग्जाम, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। चलो डोंट गिव अप अच्छी बात है, बट आई वुड से कि हैव एन ओपन माइंड एंड ओपन पर्सपेक्टिव देयर ऑल्सो। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो इसे ना जिंदगी मौत टाइप का डिसीजन बना लेते हैं, गेटिंग इनटू द सर्विसेज और नॉट गेटिंग इनटू द सर्विस। 6-6 साल लगा दिए, 7 साल लगा दिए, मतलब 6 अटेम्प्ट्स हो गए हैं, उनका सारा यूथ इस चीज़ में चला गया और वो उसके बाद नहीं रियलाइज़ कर रहे हैं प्रॉब्ली योर यू नो योर यूएसपी समथिंग एल्स, योर स्किल्स लाई समवेयर एल्स। सिर्फ एक चीज़ के पीछे ऐसे सिंगल माइंडेडली मत पड़ जाओ कि जब 32 की एज होकर निकल जाएगी और लेफ्ट विद नथिंग, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस महसूस करोगे। तो इफ़ यू रियलाइज आफ्टर गिविंग 1, 2, 3 कॉन्सर्टेड अटेम्प्ट्स, आफ्टर दैट ट्राई टू हैव अ बैकअप ऑप्शन, कुछ सोचो कि आई कैन डू दिस अल्टरनेटिवली, और अगर सीरियसली मेरा यू नो माइंड इसी चीज़ में है तो पैरेलली प्रिपेयर कर लो। बट एक तो बी रेडी टू लूज विद ग्रेस, बी रेडी टू फेस दैट ऑप्शन एज वेल, बिकॉज इस मतलब एग्जाम में 1,00,000 एस्पिरेंट्स बैठते हैं, जब 1,000 या 800 चुने जाने हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स के लिए फेलियर इज गोइंग टू बी द रियालिटी। तो प्लीज एक्सेप्ट दैट आल्सो एंड एक्सेप्ट दैट विद ग्रेस। देश सेवा आपको करनी है, आप और भी तरीकों से कर सकते हो। एब्सोल्युटली, मैं देख रही हूँ आजकल सो मेनी फील्ड्स, चाहे एनजीओस हो, चाहे इवन वेंचर्स हो, स्टार्टअप्स हो, हमें क्या है सैटिस्फैक्शन डिराइव करना है। मतलब आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, दिस इज नॉट द एंड। बहुत सारे और प्रोफेशंस हैं जहां आप यू कैन गिव बैक टू द सोसाइटी इन अ बिग वे। बिल्कुल, तो वो ओपन माइंड रखना है। हमारे मेडिकल साइंस में कांसेप्ट होता है डीएलवाई, Disability Adjusted Life Years. If you are living with diabetes, तो आपकी जो productivity है काफी कम हो जाती है। इसमें भी I think अगर 1 million लोग 5 साल prepare कर रहे हैं,
That's a loss of like five million years. And of probably some very capable men and women in the country. They are not like ki unse IAS nahi hua, so they are like ki low caliber people or mediocre people. It's just that फिश को तुम पेड़ पे चढ़ाओगे तो नहीं चढ़ नहीं चढ़ पाएगी। तो काफी मतलब इसमें इतना पढ़ना पड़ेगा आपको एक्सटेंसिव रीडिंग लगेगी। इसमें से गौरव लास्ट टाइम बोल रहा था कि यूपीएससी उसी को देना चाहिए जो पढ़ पाए सबसे पहले तो। दोस पीपल हु डोंट लव टू स्टडी एंड अदरवाइज दे आर वेरी ब्रिलियंट, उनका तो एग्जाम में हो ही नहीं सकता सिलेक्शन। तो लाइक कमिंग टू दैट क्वेश्चन, लाइक आई ऑलवेज आस्क कि मतलब देयर आर लाइक टू सेपरेट क्वेश्चन। सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट कि कुछ ऐसा एक चेंज, लेट्स से इफ यू आर द मेन गाय इन यूपीएससी और द मेन वुमन इन यूपीएससी, कुछ एक चेंज आप करते हैं एग्जाम पैटर्न में, कुछ किसी भी कुछ कुछ भी छोटा बड़ा जिससे थोड़ा और बेटर हो जाए कि द काइंड ऑफ पीपल हु आर गेटिंग सेलेक्टेड आर द वंस हु शुड बी गेटिंग सेलेक्टेड। वैसे तो ये एग्जाम बहुत स्ट्रेनस है, इट्स लाइक वो आपसे स्प्रिंट भी करवाएगा और मैराथन भी करवाएगा। तो अभी फिलहाल ये एग्जाम बहुत हर चीज़ को टेस्ट करता है, बट डेफिनेटली मुझे लगता है जैसे जैसे अब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हम लोग कर रहे हैं एक्सेसिवली, तो शायद उसको एक कंपोनेंट शायद बढ़ाया जा सकता है। वेरी गुड आइडिया, इट शुड रिफ्लेक्ट इन द एग्जाम पैटर्न, बिकॉज़ जो आपकी सर्विस का एक्सपीरियंस है उसमें यू आर रियलाइजिंग कि इसके बिना काम नहीं चलने वाला। एंड अल्टीमेटली ऑल्सो दैट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री, फॉर द सोसाइटी, वो होना ही होना है। सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस एंड एवरीथिंग, एंड करप्शन हटाने के लिए पब्लिक, जैसा आपने भी काम किया, पब्लिक डिलीवरी को टाइमली देने के लिए, ह्यूमन इंटरफेस मिनिमाइज करने के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द वे। आई थिंक आई डोंट नो हाउ आउटरेजियस इट वुड बी, मुझे लगता है कि इंटरव्यू और जब हम मेंस की बात करते हैं वी हैव प्रोबब्ली कुछ ज़्यादा ही हमने फोकस और ज़्यादा ही वेटेज दैट मेंस हैज़ बीन गिवन, व्हाइल एज गिवन द काइंड ऑफ वर्क यू डू, मुझे लगता है इंटरव्यू इज़ अ बेटर वे ऑफ असेसिंग अ पर्सन दैन ओनली थ्रू रिटन आंसर्स। And shayad mujhe lagta hai the weightage could would be change the numbers basically the, for the interviews, and maybe it's not just the weightage but maybe us portion ko segment ko it could be more improvised on, usme aur kuch add ons kiye ja sakte hain. We seen jaise MBA mein management mein ya baki kafi jagahon pe hum log karte hain, so those things have could be brought out. तीसरा जैसे बाहर भी जीवन जब हम लोग कहीं किसी फेलोशिप के लिए अप्लाई करते हैं या बाकी चीज़ों के लिए भी अप्लाई करते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेटेज गिवन टू योर पर्सपेक्टिव, योर स्टोरी, वेयर यू हैव कम फ्रॉम एंड व्हाट्स योर काइंड ऑफ थिंग। मुझे लगता है उस पूरे एग्जाम की प्रोसेस में दैट्स समवेयर, दैट्स नोवेयर गेटिंग यू नो कार्व्ड आउट और गेटिंग हाईलाइटेड आउट कि भाई आपका क्या है। दैट्स इंटरव्यू में भी इट्स मोस्टली अबाउट से योर biodata, it's about current affairs, it's about a number of different things, but mujhe lagta hai ek structured way which could also help any aspirant or any candidate bring out what he is armed kind forces of trying mein to kafi strong armed hota hai, forces component. Mein hota hai, baki cheezon mein hota hai. Mujhe lagta hai ye cheez jo hai thoda sa if this means and this could be probably possibly restructured that vantage point. Acha, is service IAS ke andar ek cheez bahut important hai aur jo overlooked hai, वो ये कि आप किसी उत्तर पूर्व या पश्चिम भारत के किसी भी इलाके से आ सकते हैं और आपको दूसरे एरिया में जाकर सर्विस देनी होगी। आप चारों ने ही अपने नेटिव स्टेट के अलावा कहीं और काम किया है, तो इसके क्या चैलेंजेस होते हैं उसके बारे में ज़रा बताइए। बैंक आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे, आप तेलंगाना में अभी पोस्टेड हैं। सबसे पहला चैलेंज तो लैंग्वेज का ही है। एग्ज़ाम देने के बाद जब कैडर मिला उससे पहले नहीं सोचा था, क्योंकि हमेशा हिंदी या इंग्लिश, मतलब मैक्सिमम यूपी में तो हिंदी चलती है। तो वहाँ जाने के बाद एकदम से नई लैंग्वेज को सीखना और बोलना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो जब तक हम उस पोजीशन पे नहीं होते हम उसको नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम लोग तेलुगु बोल रहे हैं। जब तक आप उनकी बात नहीं समझोगे यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ये आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज है कि लैंग्वेज को कैसे, कितनी जल्दी हम उसको सीख सकते हैं। आई थिंक अनु मैम कैन ऑल्सो। या एग्जैक्टली सेम यू नो पॉइंट ऑफ व्यू। इनफैक्ट मैं काफ़ी बार अपने इंटरेक्शन में अपने बैचमेट्स के साथ या अपने सीनियर्स के साथ जब बात कर रही होती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि जब हम इमीडिएटली कैडर में आते हैं ना, जब हम असिस्टेंट कलेक्टर अंडर प्रोबेशन रहते हैं उस समय पे आई वुड से कि माय एफिशिएंसी एज़ कम्पेयर टू अनदर बैचमेट ऑफ माइन जो कि उसी की नेटिव भाषा वाली जगह पर पोस्टेड था, माय एफिशिएंसी वुड बी समवेयर 50%। जब आपको समझ ही नहीं आ रहा है बात क्या चल रही है, मीटिंग में क्या डिस्कशन हो रहा है, आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो, आप अखबार नहीं पढ़ पा रहे हो जो वहाँ की यू नो सारी चीज़ों को कैप्चर कर रहा है कि लोकली क्या हो रहा है, लोगों के क्या सेंटिमेंट्स हैं,
तो वो जो समय होता है जब तक आप उस भाषा पे मास्टरी प्राप्त कर पाते हो, यू नो, वो चैलेंजिंग टाइम रहता है. और जब तक आप उस भाषा को प्रॉपरली सीख नहीं जाते हो, ट्रस्ट मी, तब तक आप लोगों के साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं कर सकते, आप अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते. तो यू नो, व्हेन यू आर पोस्टेड इन सच अ पोजीशन, मेक इट अ पॉइंट कि यू अडॉप्ट द लैंग्वेज, यू एक्सेप्ट द लैंग्वेज, जितना जल्दी हो सके सीखो, वरना चैलेंज रहता है. इट्स नॉट अबाउट आईएएस. जैसे मेरा भाई महाराष्ट्र से एमबीबीएस कर रहा था, डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन. तो वहाँ पे उसको विद इन 10 डेज समझ में आ गया कि पेशेंट तो बात ही मराठी में करते हैं. तो देयर इज, इट्स इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गिवन बेसिक डायग्नोसिस, कैसे करेगा एमबीबीएस. और दूसरा एग्जाम्पल, जैसे जब मैं एम्स में था 2008 बैच में, तो हमारे 20 लोग केरला से थे, हाईएस्ट नंबर. अब वो अगर दिल्ली में आ रहे हैं और साउथ दिल्ली के, तब कैसे पेशेंट आएंगे? ऑब्वियसली मतलब दे विल ओनली स्पीक इन लाइक ठेठ हिंदी बिल्कुल. तो देयर फर्स्ट जॉब इज टू अंडरस्टैंड हिंदी, अदरवाइज यू कांट डू योर एमबीबीएस प्रॉपरली. मतलब मैं तो इंग्लिश में बोलूँ, हमारे प्रोफेसर भी बोलेंगे, बट जब पेशेंट से फाइनली बात करोगे या उसको थोड़ा सिंपथाइज करोगे या पूछोगे भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, दे विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट एट ऑल. फिर एक ट्रांसलेटर बैठाना पड़ता है शुरू में, 1-2 महीने में चल जाता है, बट देन दे रियलाइज कि इट्स अ वेरी वेरी बैड मैथड. आई थिंक लैंग्वेज इज योर लाइक वेरी वेरी कोर. आजकल एक बहुत जो बेनिफिट वाली चीज आ गई ना, आजकल टेक्नोलॉजी बड़ी मदद करती है. गूगल ट्रांसलेटर हो गया, अपना गूगल लेंस हो गया, ये ना लाइफ सेवियर्स हो गए हैं. जैसे कोई ऑर्डर आता है, फटाफट ट्रांसलेट किया. हालांकि समटाइम्स यू नो वेरी फनी ट्रांसलेशंस आल्सो कम आउट एंड यू कांट कंप्लीटली रिलाय ऑन इट. बीजिंग में था तो मैं कुछ तो गलत ट्रांसलेशन कर दिया था, काफी दैट हैपेंड उसमें. बट हां, it can be funny also and controversial also. See, everything else is assigned to you. मतलब it can be changed. Like आप कौन सी कंट्री में रहते हो, मतलब to going to the extent की मतलब religion अगर, everything is like eventually like you can. जो आपकी mother tongue है ना, मतलब that is like impossible to change. Like the way you think. So it's a very core aspect of who you are, the language. उसी पे आप देखो इंडिया में 70 साल में काफी लड़ाइयाँ हुई हैं लैंग्वेज के ऊपर. So if you don't know the local language, basically you are like running with like one two hands tied behind kind of a thing. So isme ek point ye bhi hai ki log encouraging hai. Agar aap thoda sa step badhayenge aur seekhenge, aur agar kahin public speaking mein kahin hum thoda bhi bolte hai na, to log encourage karte hain, appreciate karte hain, bahut appreciate karte hain. Agar hum galat bhi bol rahe hain na, hame pata hai ki hum galat bol rahe hain, but people appreciate ki yaar thoda to bola, 20% to telugu mein bola. So wahi ek motivation hum logon ko aata hai. To it's not difficult. 1 or 2 years mein I think we can understand language also. To itna difficult nahi hai ye part. तो आपने तेलुगु और आपने मलयालम सीख ली है? हाँ, हाँ, सीख ली है. Awesome. समझ आता है अभी. अच्छा, यहाँ पे व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगा कि मेधा जी ने अपना बचपन केरला में बिताया है और ये है उत्तर प्रदेश से, और अब ये आईएएस में उत्तर प्रदेश काडर में है. तो आपके लिए किस तरह के चैलेंजेस रहे थे? सबसे बड़ा चैलेंज तो क्योंकि मैं बोलती हूँ कि मैं मलयाली इल्लादे मलयाली हूँ, मतलब मलयाली ना होते हुए भी मलयाली, जहाँ आप अपने फॉर्मेटिव ईयर्स गुजारते हो. Exactly. आप उधर का एक कल्चर अपने अंदर लेते हो. तो व्हेनेवर आई थिंक टॉक आई डू थिंक लाइक अ केरलाइट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. एंड केरला में मैंने इतना इगैलिटेरियन सोसाइटी को देखा, और बिल्कुल क्लास इनइक्वालिटी नहीं है, लोग एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मिलजुल के चलते हैं. तो वो सब देखते देखते प्लस एक जनरली सोसाइटी वेल ऑफ है. Yes. उसके बाद जैसे गर्मियों की छुट्टियों के लिए मैं आगरा आती थी, तो मुझे लगता था आगरा हमारे केरला में तो सारी ड्रेन में से पानी सही से जाता है, कोई दिक्कत नहीं आ जाए, कितनी बारिश हो जाए. आई यूज़ टू लुक एट आगरा एज एन विद एन माइंडसेट कि आगरा तो बहुत काम होने की आवश्यकता है. एंड नाउ व्हेन आई कम टू द यूपी कार्डर, यूपी कार्डर में एवरीबॉडी सेज अरे आगरा, आगरा की पोस्टिंग, आगरा मतलब आगरा सीन इज अ वेरी गुड, इट इज़ अ वेरी ग्रेट डिस्ट्रिक्ट. बट इसलिए ये सिस्टम है हमारे यूपीएससी का कि 1/3 जो है हमारे मतलब बाकी स्टेट से लोग आते हैं, बिकॉज वो पर्सपेक्टिव ज़रूरी है. जो पर्सपेक्टिव मैंने केरला में गेन किया, वो पर्सपेक्टिव देख के मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश में अभी कई चीज़ों में बहुत आगे जाने की जरूरत है, कहाँ है और कहाँ जा सकता है, क्या विजन है. हर स्टेट के अपने स्ट्रेंथ्स होते हैं, उत्तर प्रदेश के भी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं. तो उस तरह से आप भी जब जाओगे स्टेट में, तो ये बहुत एक चीज़ है, हर कल्चर हर स्टेट का बहुत सुंदर है. तो एंड मुझे लगता है कि जो मैंने केरला से सीखा, आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट हेयर. मैं जाके सबको बताती भी हूँ कि मतलब केरला एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ हस्बैंड वाइफ मोस्टली दोनों वर्किंग है, सुबह दोनों टाइम से उठते हैं, जल्दी 5 बजे दोनों ब्रेकफास्ट पैक करके, लंच साथ में बच्चों का पैक करके सब घर से निकल जाते हैं, रात को सब वापस आते हैं. सो जो सोसाइटी एक कहते हैं ना कि कदम से कदम मिलाकर चलने में,
that Kerala is showing the way forward and rest of us from India should catch up. Yeah, in fact, kai cheezon mein jab hamara academy mein classes lag rahi hoti hain, phase 1 mein, phase 2 mein hote hain na, to usually jab Kerala cadre ke log hote hain, wo outsiders, wo join karne ke baad bolte hain, jo academy mein padhaya ja raha hai na, wo rest of the India ke liye padhaya ja raha hai, wo Kerala ke liye applicable nahi hai. मतलब जैसे कि आप ना अकेडमी में सोच रहे होंगे, मैं ना स्कूल्स में जाके टीचर एब्सेंटीज़म को आई विल फिक्स अप, स्टूडेंट एब्सेंटीज़म को आई विल फिक्स अप, आई विल वर्क ऑन दैट, यू गो टू केरला ऑल दीज थिंग्स आर फिक्स्ड अप. ठीक है, हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, एटलीस्ट एट प्राइमरी लेवल आई वुड से. तो वहाँ के चैलेंजेस डिफरेंट हैं, वहाँ की लोकल बॉडीज बहुत एम्पावर्ड हैं, बहुत डेवलप्ड हैं, वहाँ के चैलेंजेस डिफरेंट हैं, दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ डेवलप्ड सोसाइटी जिसे आप नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो, बट बेसिक थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, विच आई होप कि यू नो हैपन्स फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो एज सून एज पॉसिबल. केरला का आपका जो कुटुंबश्री का प्रोग्राम, दैट इज वर्किंग लाइक फैंटास्टिक. मतलब एवरी लेडी जो कुटुंबश्री इज बेसिकली एनआरएलएम की जो मनरेगा की सॉरी एनआरएलएम की जो रहते हैं हमारे ग्रुप्स, केरला में एवरी लेडी इज एम्पावर्ड, तो गांव की महिला भी अपने आप सारा काम कर रही है. तो इनफैक्ट दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि एनआरएलएम में जैसे केरला से और वेस्ट बंगाल से महिलाओं की टीम्स आती है, लैंग्वेज नहीं जानते वो लोग, फिर भी उत्तर प्रदेश के गाँव में आके दे स्पेंड 3 वीक्स और वो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को, गाँव की महिलाओं को वो करते हैं एनकरेज करते हैं कि आप बनाइए, आप अचार बनाइए या जो भी बनाइए. तो ये लोअर लेवल पे मतलब विलेज लेवल पर भी ये हो रहा है और ये ज़रूरी है, ट्रांसफ़र ऑफ थॉट प्रोसेस बोल लीजिए और या एम्पावरमेंट बोल लीजिए. तो जो साउथ की लेडी का एक एम्पावरमेंट है, वो आई फील के नॉर्थ की अब महिला प्रधानों में मैं धीरे धीरे देख रही हूँ कि दे आर डेफिनेटली बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, मोर वोकल एंड अपनी लड़ाई लड़ रही हैं. इसी पॉइंट पे मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा. वंस वी वेंट टू रामेश्वरम, तो मेरी मम्मी ने ये पॉइंट नोट किया कि साउथ में स्पेशली इन तमिलनाडु यू सी अ लॉट मोर विमेन आउटसाइड, जो नॉर्थ में एटलीस्ट मैं राजस्थान से आता हूँ वहाँ इतना देखने को नहीं मिलता है. आई मीन विमेन आर सिटिंग एट शॉप्स, दे आर टेकिंग केयर ऑफ बिजनेसेस, बहुत सारी महिलाओं से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंड मैनी ओल्ड विमेन आर इन बिजनेस, विच वॉज काइंड ऑफ अ कल्चरल शॉक फॉर समवन कमिंग फ्रॉम राजस्थान, पर अच्छा भी लगा देखकर. आई थिंक वी हैड अ ग्रेट डिस्कशन ऑन यूपीएससी, आप लोगों की जर्नी से रिलेटेड, एंड बहुत कुछ मोटिवेशन मिला होगा आप एस्पिरेंट्स को जो इसे देख रहे हैं. तो जो भी लर्निंग्स आपने इस वीडियो से ली है उसको अपनी तैयारी में इंप्लीमेंट कीजिए, उसे आत्मसात कीजिए, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करो अपने अन्य एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ जो इस तरह के इशूज़ को फेस कर रहे हैं, मे बी दिल इम्प्लीमेंट दैट इन देयर लाइफ. तो इसी के साथ इस सेशन को हम करेंगे आज कंक्लूड. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड वॉचिंग दिस सेशन. थैंक यू.